हरे कृष्णा। महाभारत के पार्ट टू में स्वागत है। डे है आज 32 अक्टूबर। सभी ऑनलाइन व्यूअर्स को नमस्कार करते हुए यहाँ पे बैठे प्रभु जी लोग, गुरुकुल के बच्चे और भगवान कृष्ण, श्रील व्यास देव, श्रील प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा को याद करते हुए मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। हरे कृष्णा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट में चले गए हम लोग। महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो चुका है। लास्ट टाइम भी हमने देखा भीष्म पर्व चल रहा है। ये आपका 6th पर्व है महाभारत का और इसी भीष्म पर्व का भगवत गीता एक पार्ट है, जो कि हमने देखा कि संजय जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में वो भी गए होते हैं, जब 10 दिन के बाद वापस आते हैं तो उनसे पूछते हैं धृतराष्ट्र, क्या पूछते हैं, क्या हो गया कि तुम वापस आए। संजय बताते हैं भीष्म पितामह गिर गए हैं और जहां से धृतराष्ट्र पूछना आरंभ करता है और यही भगवत गीता का पार्ट है। और भगवत गीता के 700 श्लोकों के बाद फिर हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो कि राजतंत्र भी समझ गए हैं, उन्होंने क्या किया, जाके चारों को पहले आशीर्वाद दिया लिया, किससे, भीष्म से, और आशीर्वाद लेकर के पूछा कि दादाजी बताइए आपको मैं कैसे हटा सकता हूँ, कैसे हरा सकता हूँ। उन्होंने कहा अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तब मैं बताऊंगा। दूसरा द्रोणाचार्य से मिले, द्रोणाचार्य ने भी आशीर्वाद दिया और कहा जब मैं कोई अप्रिय घटना सुनूंगा तब मैं अपना अस्त्र रख दूंगा, और वो अप्रिय घटना क्या होगा वो तुम सोचो अर्जुन युधिष्ठिर। तीसरा किससे मिलते हैं, कृपाचार्य से। कृपाचार्य को से जब मिलते हैं तो कृपाचार्य कहते हैं मैं अवध्य हूं, मैं इस तरीके से मर ही नहीं सकता। और चौथा जब वो शल्य से मिलते हैं जो कि उनके मामा हैं, तो उनसे बस यही कहते हैं विनती युधिष्ठिर कि आप करके कृपया जब कर्ण के वो बनिएगा सारथी तो प्लीज आप उसको थोड़ा सा भड़काइएगा। तो ये कुछ लोग कह सकते हैं अरे ये छल है, ये छल नहीं है, ये राजनीति है, ये रणनीति है। और हम देखेंगे ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर, जैसे कि सबसे पहला कि कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए लाइफ में किसी सिचुएशन को। दूसरा चीज कि भगवान को समझने का क्या तरीका है, हम क्यों कुछ लोग भगवान को नहीं समझ पाते हैं। तीसरा चीज भगवान ने क्या कृष्णा ने अपना वचन तोड़ा था। चौथा चीज क्या अर्जुन ने अनएथिकल वे से भीष्म को मारा। पांचवा करेज और कॉम्पिटेंसी देखेंगे। छठा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि जीवन में क्या सीख सकते हैं इस महाभारत के युद्ध से। इम्पैक्ट है, सिर्फ फैक्ट नहीं है, प्रभावशाली है। तो इसलिए क्योंकि व्यास देव ने सिर्फ हमें इतिहास पढ़ने के लिए, हम देखते हैं कई बार बच्चों को इतिहास में इंटरेस्ट नहीं होता है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो कहते हैं किसी तरीके से इतिहास चला जाए बस खत्म हो जाए, और जो इतिहास को नहीं पढ़ते हैं वो इतिहास दोहराते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इतिहास को पढ़ना। तो 2 दिन का युद्ध हो चुका था। पहले दिन हमने देखा घमासान भीष्म पितामह युद्ध करते, ऐसा घनघोर युद्ध करते हैं, ऐसा घनघोर युद्ध करते हैं। पहले ही दिन 2 विकेट गिर गया, किसका, उत्तर कुमार और श्वेत का, जो कि किसके पुत्र थे, विराट के। तो जैसे ही 2 विकेट गिर गया, सोचो क्रिकेट का, हम क्रिकेट से बहुत एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि हमारे इंडिया में क्रिकेट बहुत ज्यादा लोकप्रिय गेम है और काफी आप उससे रिलेट भी कर पाओगे, तो काफी हर जगह आप देखोगे क्रिकेट से मैं रिलेट करूंगा। ऐसा आप मत सोचना कि प्रभु जी को भी क्रिकेट में इंटरेस्ट था कभी, अभी मेरा इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन समझाने के दृष्टि से एज ए स्पोर्ट्स में क्रिकेट को हम यूज करेंगे। तो 2 विकेट तुरंत विकेट गिर गए, 2 विकेट गिरने की वजह से क्या हुआ, घबरा गया, जैसे पैक फुट में आ जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैच ही नहीं खेलूंगा, चलो भागते हैं। अरे पूरा विकेट गिर रहा है, इतना धड़ाधड़ भीष्म पितामह मारे जा रहे हैं, गर्दन उड़ाए जा रहे हैं, अभी मेरे से नहीं होगा। ये सोच करके भगवान कहते हैं सुनो, लाइफ में हार जीत लगा रहता है दौड़ में, लाइफ इज नॉट लाइक अ रेस, 100 मीटर का दौड़ नहीं है, 100 माइल का मैराथन है। इसलिए होता है कभी कभी झटके लग जाते हैं,
दो हम देखते हैं क्रिकेट में दो चार विकेट गिर जाता है तो इसका मतलब नहीं कि मैच हार गया, कई बार हम देखते हैं 8 विकेट गिरने के बाद भी मैच में वापसी हो सकता है। दूसरे दिन वही चीज हुआ, वापसी। और कई बार क्या होता है जब विकेट गिर जाते हैं तो सामने वाले टीम भी कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, अरे चलो अब तो जीतेंगे, और हम देखते हैं वही मौका हो जाता है हारने का भी, और वही हो गया। दुर्योधन क्या हुआ, थोड़ा सा सोचा कि हम तो जीत ही रहे हैं, भीम निकला और भीम ने जो ताबड़तोड़ युद्ध किया वो हमने देखा ही है दूसरे दिन, कि उसने ऐसा पराक्रम दिखाया कि हाथी के ऊपर चढ़ करके उसने दो महान जो पूरे एकदम कलिंग राज के पुत्र को शंख को फिर उसके बाद भानु दत्त को इस तरीके से मार करके गिरा दिया। और अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो तीसरा दिन, तीसरे दिन का युद्ध चल रहा है। हर दिन के युद्ध में कुछ विशेष पराक्रम दिखेंगे। देखें व्यासदेव ने बहुत चीजें बताया है, महाभारत में आप पढ़ भी सकते हो, ये भीष्म पर्व का है, सबसे बड़ा पर्व है युद्ध का। तो हर एक युद्ध के बारे में शायद मैं चर्चा ना कर पाऊं क्योंकि इतना समय नहीं रहता है हमारे पास, फिर भी आप पढ़ सकते हो। पर जो विशेष युद्ध रहेगा, जो विशेष मतलब की लड़ाई है, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा इस भीष्म इस महाभारत के युद्ध में। तो तीसरा दिन और आज जो मेन योद्धा है वो हम देखना चाहेंगे। तो जैसे स्पोर्ट्स में कभी बैटिंग कभी बॉलिंग, किसी दिन बल्लेबाजी चलता है अच्छा, किसी दिन बॉलिंग अच्छा चलता है, और किसी दिन ऐसा होता है कि जो की बैट्समैन है वो आउट हो जाता है, स्टिल क्या होता है हमारी टीम अच्छा खेलती है। हो सकता है कि विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर आउट हो गया हो, लेकिन आपकी टीम फिर भी अच्छा खेले, की बैट्समैन आउट होने के बाद भी आप अच्छा खेल सकते हो। लेकिन आज देखेंगे तीसरे दिन हुआ क्या। तो जब भीम ने दूसरे दिन इतना ताबड़तोड़ मचाया था, दुर्योधन का था मैं जाके भीम से लड़ूंगा, और वो भीम से इंकाउंटर करता है, भीम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। और बहुत से जो वॉरियर होते हैं, देखो ये मैच जो है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये बैटल जो है महाभारत का युद्ध, ये आप कह सकते हो कि 1-to-1 भी मैच है, टेनिस की तरह 1-to-1 भी प्लेयर खेल रहे हैं, और कई बार इसमें फुटबॉल की तरह भी गेम है कि एक फुटबॉल को लेकर के जैसे एक प्लेयर जाता है तो उसके पीछे हजार लोग लग जाते हैं। तो कई बार जैसे दो योद्धा लड़ रहे हैं महाभारती, और जब दूसरा वाला हारने लगता है तो उसके सपोर्ट में कई महारथी आ जाते हैं उसके साथ युद्ध करने के लिए, तो वो और इसके भी सपोर्ट में बहुत से लोग आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये कभी 1-1 होता है, कभी 1-many हो जाता है, कभी 1-many हो जाता है, कभी 1-many, तो ये युद्ध है। और हर दिन कोई ना कोई व्यू की रचना की जाती है। जैसे तीसरे दिन अगर आप देखोगे तो गरुड़, मैं ड्राइंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हूं पर आपके लिए फिर भी बना दे रहा हूं, ये मान लीजिए कोई बत्तख या कुछ है, आंख है दो ऐसे, तो गरुड़ को आपने देखा है, गरुड़ व्यू इसको कहते हैं। गरुड़ व्यू में चोंच जो है तो इसमें क्यों कौन आके खड़े हो गए, भीष्म पितामह, भीष्म पितामह कहे मैं आज आगे रहता हूं। दो आंख कौन है, दो आंख आपके कृपाचार्य और द्रोणाचार्य हो जाते हैं। और ऐसे करके जो विंग जो मतलब गरुड़ के जो पंख है, जो दाहिने पंख है, वहां पे जयद्रथ ये सब खड़े हो जाते हैं, और बाएं पंख में दुशासन ये सब, और सबसे पीछे टेल में कौन रहता है, दुर्योधन रहता है। और इनको टक्कर देने के लिए चक्र का व्यू करते हैं, कौन चक्र ने ये अर्ध चंद्रमा आधा चंद्रमा का व्यू का रचना करता है, कौन अर्जुन। तो इस भाग में भीम खड़े रहते हैं, इस भाग में अर्जुन खड़े रहते हैं, ऐसे ये। तो हर दिन एक एक व्यू की रचना की जाती है, ये स्ट्रेटेजी है युद्ध का, ये मैंने आपको इसे बता दिया जानने के लिए कुछ चीजें। तो दुर्योधन किससे युद्ध कर रहा होता है, भीम से, और उसके भी सपोर्ट के लिए सब आ जाते हैं भीम के और दुर्योधन में, और बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है। और भीम को सपोर्ट करने के लिए कौन आता है, घटोत्कच। आपने देखा होगा अरे बीआर चोपड़ा में, वो तो बाद में आता है, नहीं हर कोई है यहाँ पे लड़ाई में, लेकिन वही चीज मैं बता रहा हूं
कि हर कोई किसी दिन प्रभाव डालता है, कोई किसी दिन प्रभाव डाल रहा है। तो घटोत्कच और भीम दोनों मिल करके भी दुर्योधन और उसके जो भी साथी लोग आए हुए थे, दुशासन, चैद्रथ, ऐसे करके बहुत से उनके साथ युद्ध कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, ये महाभारत है, ये महाभारत है। यहाँ पे रियलिटी बहुत ही समझना बहुत मुश्किल हो गया। रामायण में क्या था, रामायण में हम समझते थे कि राक्षस कौन है, रावण है, ठीक है, जिसके दांत इतने बड़े बड़े हैं, ठीक है, बाल इतने बड़े बड़े घुंघराले जैसे हैं, ठीक है, तो वो साफ साफ समझ में आता था कि राक्षस ये है और राम जी मनुष्य हैं, और ये मतलब कि वो दिखता था जिसके मुंह दांत ऐसे बड़े बड़े हैं वो राक्षस है। लेकिन जैसे जैसे युग बढ़ता गया, द्वापर युग में क्या हो गया, घर के अंदर ही राक्षस और देवता दोनों रहने लग गए। अर्जुन और पांडव अच्छे लोग, दुर्योधन डेमोन। तो डेमोनियक मेंटेलिटी होता है, एक विचार होता है राक्षसी विचार, और एक व्यक्ति राक्षस होता है स्वरूप से, ठीक है। दुर्योधन राक्षस जैसा दिखता नहीं था, पर उसका सोच कैसा था, राक्षस जैसा। घटोत्कच राक्षस जैसा दिखता था, पर उसकी सोच कैसी थी, राक्षस जैसी नहीं थी, मतलब अच्छा विचार, वो धर्म के लिए युद्ध कर रहा था। तो इसलिए लाइफ में ये चीज बताना कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, इसको इतना हम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर सकते। तो घटोत्कच युद्ध करने लग जाता है, और घटोत्कच को दुर्योधन सोचता है कि अरे ये क्या मारेगा है? जैसे हम लोग कई बार नहीं सोचते, अरे तुम क्या, जैसे हमारे यहाँ जब गुरुकुल में दो स्टूडेंट द्वंद कर रहे होते हैं मल्ल युद्ध, तो मैंने देखा है, बच्चे का नाम नहीं लूंगा, एक बच्चा कहता है प्रभु जी ये क्या मेरे को हराएगा, मेरा शरीर देखिए, बल देखिए, अभी दो मिनट में पटक के आता हूँ। मैंने कहा बेटा अहंकार मत करो, हो सकता है वही तुम्हें पटक दे, और हुआ वही। वो दिखने में पतला था, अब पर वो इतना फुर्तीला था, और सबसे बड़ा चीज क्या हुआ, कई बार हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अपने ओपोनेंट को, हमको लगता है अरे ये क्या मारेगा, और हम कैजुअल हो जाते हैं, और लाइफ में जहां हम कैजुअल होते हैं वहीं पे अटैक हो जाता है। और दुर्योधन ने भी यही किया, वो सोचा घटोत्कच दिख रहा है बड़ा बड़ा है, ये क्या मारेगा मेरे को, और वो भी बाण से मारेगा, क्योंकि बाण और तीर से लड़ाई हो रहा है। दुर्योधन उसके ऊपर धार धार तीर चलाता है, और घटोत्कच फिर दुर्योधन को ऐसा मारता है कि दुर्योधन गिर जाता है रथ से, और रथ से गिर के अचेत हो जाता है। जब लीडर आपका गिर जाता है ना, तो बाकी जो वॉरियर होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनका क्या हो जाता है, मॉरल डाउन हो जाता है। क्योंकि एक कमांडर होता है जो कि वहां का इंचार्ज होता है, उस कमांडो सेना का, और जो राजा होता है वो ओवरऑल इंचार्ज होता है। तो जब राजा ही हट जाता है, तो हम कई बार देखते हैं कि सैनिक भले ही बहुत ताकतवर होते हैं, ज्यादा होते हैं, पर उनका मॉरल डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं लीडर। जैसे घर में अगर कोई व्यक्ति, कोई जो लीडर पोजीशन पे है, हम देखते हैं उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, तो पूरा मनोबल टूट जाता है पूरे परिवार का। तो उसी तरीके से जब दुर्योधन गिर जाता है, तो सारे भागने लगते पीछे, कहते अब क्या, क्योंकि स्पिरिट भी चला गया ना, और स्पिरिट चला जाने से कारण से, मॉरल डाउन होने के कारण से पूरा चीज, तो सब पीछे भागने लगते हैं, सारे लोग भागने लगते हैं कि अभी क्या करें, अभी क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहां पर दुर्योधन घिरा हुआ है। तो दुर्योधन के गिरने से हमको यह समझना चाहिए, लाइफ में कभी कभी ऐसे सिचुएशन भी आते हैं जो हमको लगता है कि ये कुछ करेंगे नहीं, लेकिन वही कैजुअलिटी के कारण हो जाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा ऐसे झपकी लेते हैं कुछ लोग, ठीक है, और कई लोगों को मैंने देखा है, कहते हैं प्रभु जी अरे बस 2 सेकंड के लिए आंख बंद हुआ था, और 2 सेकंड के आंख बंद होने में बहुत बड़ा सर्वनाश हो जाता है। तो इसलिए बहुत जहां हम लाइफ में अपॉर्चुनिटी या ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट या किसी सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वहां पे गड़बड़ हो जाता है, और यही ये क्या कर दिया दुर्योधन ने।
तो पर दुर्योधन जब उठा तो देखा अरे इसके सब सैनिक भाग रहे हैं पीछे। कहाँ भाग रहे हैं? पीछे की तरफ। उसको आता गुस्सा, अरे मूर्खो तुम जाकर के युद्ध करना चाहिए तो तुम भाग रहे। तब उन लोग को दिखता है कि अरे दुर्योधन तो जीवित है, हाँ फिर से युद्ध करने जाते हैं। और युद्ध करने के लिए जाते हैं और इधर दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाता है कि आपके रहते हुए भीष्म पितामह ऐसा कैसे हो रहा है कि पांडव हमसे विजयी प्राप्त हो रहे हैं, आप युद्ध करिए। भीष्म पितामह कहते हैं मैं पूरा अपनी तरफ से युद्ध कर रहा हूं, लेकिन याद रखो इसके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं और अर्जुन हैं। तो ये देख करके क्या होता है कि घटोत्कच, जो कि तीसरे दिन का हमारा हीरो कौन रहा, घटोत्कच, जो मेजर मेजर इंसिडेंट्स हैं मैं आपको वो शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो तीसरे दिन जब घटोत्कच के द्वारा घायल हो गया दुर्योधन और फिर कुछ देर बाद शंखनाद हो जाता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। तो तीसरे दिन घटोत्कच, फिर अगले दिन फिर होता है और ये होता है चौथा दिन डे फोर। देखते हैं डे फोर में क्या होता है। तो जैसे 600 होता है बैटल में, तो वैसे ही बैटल में कभी ये पलड़ा भारी हो जाता है, कभी ये पलड़ा भारी हो जाता है, कभी ये इधर जीतता है तो कभी ये इधर जीतता है। तो चौथे दिन क्या होता है कि भीम के पराक्रम को देख करके दुर्योधन क्या करता है, 10,000 हाथियों के साथ भीम पे अटैक करा देता है। 10,000 हाथी सोचिए, और उसमें से एक महान हाथी था, पराक्रम हाथी था, गजराज था, जिसको आप तुलना महाभारत में एरावत, एरावत हाथी वो है जो कि इंद्र के सवारी है, वो एरावत हाथी को रख करके भीम पे 10,000 हाथी ने घेरा कर लिया, क्योंकि दुर्योधन का पहले तो भीम को भी मारूंगा। और ये सोच करके कि भीम को आज तो मैं उड़ा दूंगा, तो भीम भी क्या करते हैं, अपना जो गदा होता है घुमाना स्टार्ट करते हैं और घुमाते घुमाते एक हाथी को मारते हैं ऐसे, और रथ चलता रहता। तो सोचो ऐसे पूरे हाथी का झुंड है, ऐसे घुमा रहे एक, सोचो इतना ताकत है। इसीलिए कहा था, क्या कहा था, दुर्योधन ने खुद बोला था कि भीम का पराक्रम बलराम जी के बाद है, इस जगत में बलराम जी के बाद अगर किसी की ताकत थी तो भीम की थी। और भीम इतना पराक्रमी था, सोचो एक गदा से, आप महाभारत में पढ़ना, एक गदा मारता था तो हाथी पूरा खून फेंक देता था। सोचो ऐसे करके मारता था, इधर मारता था, लेकिन जब देखा कि सब जगह से सर्वनाश कर रहे, तो भीम के 14 भाई आ गए, पहली बार कौरव के 14 भाई एक साथ फीस्ट हो गया। किसके लिए? भीम के लिए। जैसे हमारा कई बार जैसे संडे को फीस्ट होता है ना, कि सामने है रबड़ी, रसगुल्ला, पूरी, पनीर की सब्जी, और क्या आपको अच्छा लगता है बच्चों, कोई बोल रहा समोसा, ठीक है कचौड़ी। तो सोचो ऐसे रखा हुआ हो और आपके मुंह में आ हा हा, आज तो आएगा मजा जब पूरा खा जाऊंगा मैं। तो वैसे ही भीम को याद आता है ये वही कौरव के भाई हैं, दुर्योधन के भाई, जो कि क्या नहीं रोके थे किसको, दुशासन को, जब मेरी पत्नी द्रौपदी का वश करने का प्रयास किया। आज इन 14 का मैं भोजन करूंगा। और ये देख करके भीम कूद जाते हैं जहां पे वो 14 भाई रहते हैं, और पूरा क्रोध उनके अंदर रहता है, पूरा क्या होता है, क्रोध होता है भीम के अंदर। और भीम क्या करते हैं, निकालते हैं तलवार एक एक करके, पहला नाम, हर एक का नाम भी दिया है, मैं आपको बता देता हूं, ये आपका चैप्टर मिलेगा, चैप्टर आपका मिलेगा 64 में, चैप्टर 64 में, भीष्म पर्व के चैप्टर 64 में एक एक का नाम मिला। पहले को भीम ने ऐसे
तलवार चलाया, 20 से काट दिया, दूसरे का गर्दन उड़ा दिया, तीसरे को बाणों से मार मार के 70 बाण मारे घायल कर दिया, उससे मार दिया, ऐसे कुल मिलाकर के उसने 14 भाई को मार डाला। किसने? भीम ने। किसके? दुर्योधन के। और जब ये देखा कि भीम मारा गया है तो क्या होता ना, इतना क्रोधित हो जाता है दुर्योधन ये सब, कि बाकी लोग सब जो सोमदत्त थे, भगवत दत्त, जो भी उसके बहलीक, ये सब अटैक कर देते हैं भीम पे, कि भीम का पूरा रथ टूट जाता है। रथ टूट जाने की वजह से सब सोचते भीम तो गया, लेकिन भीम रथ पे, सोचो क्या पराक्रम था भीम का। रथ टूट गया तो आदमी क्या होता कि अरे चलो दूसरा रथ ले लेते हैं, या सोचता है थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, ठीक है। जैसे कई बार आपको लाइफ में फेलियर होता है तो आप पीछे स्टेप बैक ले लेते हो, पर भीम में इतना क्रोध था कि वो डिसहार्टेन होने की वजह से एकदम और आगे, शेर जैसे घायल होता है तो आगे और एकदम बढ़ता है, वैसे वो उठा करके अपना भाला चलाने लग गया, और जो भी आता था रास्ते में वो भाला से ऐसे चला चला करके मारना स्टार्ट कर दिया। तो ये देख करके भीम जो है दुर्योधन को, देखो यहाँ पे भीम पहली बार दुर्योधन को मार गिराता है, मार गिराने का मतलब एकदम घायल कर देता है अपने इस कदा से। और जब दुर्योधन गिर जाता है, देखो पहले दिन मार खाया किससे, मतलब तीसरे दिन, कल जो तीसरा दिन है घटोत्कच से गिर गया, चौथा दिन भीम भी दुर्योधन को गिरा देता, और दुर्योधन को मारने ही वाला था भीम, लेकिन भीष्म पितामह आ जाते हैं, क्योंकि देखते हैं कि अरे दुर्योधन, और फिर भीष्म पितामह और इसमें भीम में लड़ाई होने लगता है, तो भीम की रक्षा करने के लिए अर्जुन आ जाता है, और अर्जुन स्टार्ट हो जाता है, फिर उधर से द्रोण आ जाते हैं, और इधर से दृष्टद्युम्न। तो ऐसे कई बार वन वन होता है, कई बार मैनी, एक साथ उसको बचाने के लिए लोग उधर उधर आते रहते थे। तो जब बहुत एकदम लड़ाई होने लगा और दुर्योधन फिर शंख बज जाता है, दुर्योधन जाकर के भीष्म से पूछता है, क्या पूछता है कि कैसे हमारी आर्मी हार सकती है सेना। अगर आपको याद होगा गीता में शुरुआत में कहता है यही दुर्योधन कि आपके साथ होने की वजह से हमारी सेना पर्याप्त है, और भीम दूसरे तरफ होने की वजह से वो पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए वो पूछता है कि हे पितामह, आप मेरे को ये बताइए कि कैसे वो, क्या ऐसा मायावी शक्ति है, क्या ऐसा वो छल का उपयोग कर रहे हैं कि पांडवों को हराया नहीं जा पा रहा, आज मेरे 14 भाई मारे गए। सोचो धृतराष्ट्र सुन रहा है कि उसके आज 14 बेटे गए, 14 विकेट आउट, कितना दुख हो रहा होगा। वैसे दुर्योधन कह रहा है कि 14 मेरे भाई मारे गए, आप बताइए कि क्यों मैं नहीं हरा पा रहा। भीष्म कहते हैं मैं तुमको कई बार बताया, अरे जो सामने खड़े हैं वो कौन है, साक्षात देवकी नंदन जो है वो भगवान कृष्ण, वो भगवान है, तुमको कितनी बार मैंने बताया। और फिर यहाँ पे भीष्म देव ब्रह्मा जी जो भगवान की स्तुति करते हैं ना, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है, वो स्तुति बताते हैं कि जब वो क्रिएशन, जब वो सृष्टि की रचना हो रही होती है, ब्रह्मा जी ने क्या स्तुति किया था नारायण का, वही भगवान। और कहते हैं कि सुनो, ये तो मैंने तुमको बताया, मैं तुमको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, सुना हूँ जो, क्योंकि जब मेरी माँ गंगा मेरे को लेकर गई थी कहाँ, स्वर्ग लोक, तब मैंने वहां पे बृहस्पति और वहां पे देवी देवताओं से सुना था क्या, कि जब इस धरती पे बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ने लग गया, धरती माता गाय का रूप लेकर के सारे देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास जाती है, और ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट के पे जा करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, और भगवान नारायण कहते हैं कि मैं प्रकट होऊंगा, वही कृष्ण है नारायण। और तुम सोच रहे हो कि ये कोई साधारण व्यक्ति है, जहां नारायण है वहां विजय है,
और जहां नारायण है वहीं धर्म है। इसलिए मैं तुमको अभी भी कहता हूं कि ये भगवान कृष्ण भगवान है, तुम समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? और तुम संधि कर लो, अभी भी मौका है। जब दुर्योधन इतना सुनता है तो कई बार नहीं होता है, जैसे हमारे जीवन में भी दुख में बहुत ज्यादा हम पड़ जाते हैं तो थोड़ा सा इनलाइटनमेंट या इल्यूमिनेशन आ जाता है, हम भी सोचते हैं कि शायद हाँ हमें भी अच्छा कार्य करना चाहिए, धर्म का कार्य करना चाहिए। तो ये सोच करके दुर्योधन को भी लगा कि क्या सही में ये कृष्ण भगवान है, क्या मैं सही में गलत पंगा ले रहा हूं? ये कह करके दुर्योधन बोल रहा है भीष्म पितामह को कि कृपया करके आप मेरे को कृष्ण के बारे में और बताइए। और कृष्ण के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं कौन? भीष्म पितामह। कहते हैं कि कैसे इनका जन्म हुआ, गोकुल में वो थे, कैसे उन्होंने प्रतिदिन पूतना का वध किया, बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, ऐसे हरेक असुरों का तिनाव्रत, ऐसे हरेक असुरों का वध करके पूरा कृष्ण लीला बताते हैं। और कहते हैं इन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, और तुमने तो साक्षात देखा था राजसूय यज्ञ में इन्होंने कैसे शिशुपाल का वध किया, इन्होंने नरकासुर का वध किया, इन्होंने तंत वक्र का भी वध किया। तो ये बताने के बाद दुर्योधन को और भय उत्पन्न होने लगता है और वो वहां से चुपचाप सुन करके चला जाता है। और वो रात को सोचता है कि क्या मैंने सही में मेरे को संधि करना चाहिए या नहीं, ऐसे वो सोच रहा होता है। लेकिन उसका जो अहंकार है, ऑब्स्टिनेसी जिसको बोलते हैं, या तंब, वो उसका दीवार बन गया। क्या दीवार बन गया? कई बार हम कुछ चीजें आंखों से देखते हैं लेकिन आंखों से देखने के बाद भी हम किसका सहारा लेते हैं? अपने मन का। इसीलिए हम सिर्फ अपने आंखों से ही नहीं देखते हैं, हम अपने मन से भी देखते हैं। कुछ लोग कह नहीं कहते कि आप अपने मन से, मन का विश्वास, मन का सहारा लेते हैं। तो यहां पे दुर्योधन के जीवन से हम ये सीख रहे हैं कि कई बार हम शास्त्रों का, जैसे कई बार कुछ लोग बताते हैं कि प्रभु जी हम उनको बताते हैं कि आप जो ऐसे बताते हैं कि कर्ण ये ऐसा है, कर्ण वैसा है, तो लोगों को बताओ कि ये चीज दिया महाभारत में, फिर भी वो देख करके भी फिर भी विश्वास नहीं करते हैं। उनको बताओ कि ये चीज भगवान भगवान कैसे, उनको पूरा लॉजिक भी दो तो भी वो कहेंगे कि नहीं हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सोच क्या हो गया है, हम अहंकार के वश के कारण अहंकार ऐसा पर्दा डाल देता है, ऐसा वॉल क्रिएट कर देता है कि वो वॉल को छेद कर पाना, भेद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम कई बार सेलेक्टिव देखते हैं, सेलेक्टिव के साथ साथ डिसेप्टिव भी हो जाते हैं और हम कुछ चीजें नहीं भी देखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे दुर्योधन को पूरा बताया जा रहा है कैसे कृष्ण भगवान है, वो उसकी बुद्धि, वो देख भी रहा है, वो देख भी रहा है कि सही में कृष्ण कौन है, देखने के बावजूद भी नहीं मानना क्योंकि मन अहंकार के वश में है। इसलिए वो उन चीजों को देखकर भी अनदेखा कर रहा है और अपने मन से ये सोच रहा है नहीं नहीं नहीं, क्या बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कृष्ण भगवान होते तो फिर पांडव क्यों इतना मतलब कि कष्ट भोग रहे होते हैं, 12 साल का वनवास क्यों झेले होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग भी सोचते हैं अगर भगवान होते तो फिर मेरे जीवन में क्यों इतना दुख आता, फिर ये कोरोना क्यों आया, भगवान की करुणा कहाँ चली गई, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हम कई बार शास्त्रों को हटा करके अपने मन पे इतना विश्वास कर लेते हैं कि हमारा माइंड ही हमको सब कुछ बताने लग जाता है। इसीलिए कहते हैं द वर्ल्ड इज द मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना के अनुसार हम दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं। और ये दुर्योधन हमें अपने इस व्यवहार से सिखा रहा है कि मन का छोड़ करके गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। जैसे कि बहुत सिंपल सा चीज है, अभी जैसे हमारे कुछ गुरुकुल के बच्चे गए, एकदम अभी मैं आधा घंटा का आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक प्रभु जी थे, उनको मैंने, वो ढूंढ रहे होते हैं बहुत देर से, मैं देखा कि मैं अपना इधर महाभारत की तैयारी कर रहा होता हूँ,
तो मैं देखा प्रभु जी एकदम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है कहाँ है कहाँ क्या चीज है, वो कुछ तो ढूंढ रहे थे। मैंने कहा, मैं सोचा कि चलो प्रभु जी से पूछता हूँ, प्रभु जी आपको क्या चाहिए। अरे अरे मेरा वो मोबाइल का चार्जर नहीं दिख रहा है। मैंने कहा ये तो यहीं पे लगा है। अरे मैं 10 मिनट से बताइए ढूंढ रहा हूं मोबाइल का चार्जर, मेरे को मोबाइल का चार्जर। तो कई बार क्या होता है, मतलब आप समझ रहे हो, एंजाइटी या कई बार इसीलिए सिर्फ आंख से देखना ही नहीं होता है, हमारा मन हमको कुछ और दिखाना चाहता है, इसलिए हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते हैं, तो वहीं पे रहेगा चीज, लेकिन कई बार हमारा मन पे इतना कोई चीज हावी हो जाता है कि हम नहीं देख पाते हैं। तो उसी तरीके से दुर्योधन को दिख रहा है कि भगवान कृष्ण भगवान है, फिर भी हम नहीं देखना चाहते। दुर्योधन छोड़ो, हम लोग भी कई बार ऐसे हो जाते हैं, हम भी भगवान को नहीं देखना चाहते। दिख रहे हैं राधा रमन जी विग्रह के रूप में, लेकिन हम कहते पत्थर है क्योंकि हमारा मन पत्थर जैसा हो गया। तो ये दुर्योधन भीष्म के स्तुति सुनने के बाद भी अगले दिन फिर आ जाता है। मेरे को लगा था, मैं पढ़ा तो मैं सोचा कि शायद बंद हो जाएगा युद्ध, पर देखा कि नहीं, पांचवें दिन भी चल पड़ा और क्रॉन्च व्यू का निर्माण होता है। और पांचवें दिन देखते हैं कौन आया कौन गया, किसका पत्ता कट गया। तो पांचवें दिन थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है, जितना बहुत डिटेल में पूरा व्यासदेव ने बताया, एक एक योद्धा का हर दिन लड़ाई होता था, जैसे भीष्म का अर्जुन के साथ, खास करके द्रोण का दृष्टद्युम्न के साथ और भीम का दुर्योधन के साथ, इस प्रकार से हर एक दिन लड़ाई होता था, जैसे टेस्ट मैच होता है। टेस्ट मैच में प्रत्येक दिन मैच होता है और हर एक दिन तीन सेशन होते हैं, पोस्ट लंच सेशन, लंच सेशन और लंच से पहले एक सेशन, ऐसे तीन सेशन होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर एक दिन में हर एक सेशन बहुत, मतलब कि इम्पॉर्टेंट हो, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कुछ विशेष घटना हुआ। भीष्म पितामह के गिरने के बाद हम देखेंगे हर एक दिन कुछ ना कुछ विशेष होता था, लेकिन ये 10 दिन में ऐसा जरूरी नहीं था कि हर, लेकिन फिर भी ये जरूरी है, जैसे हर एक दिन टेस्ट मैच को आगे बढ़ाता है, उसी तरीके से हर एक दिन कभी कोई सेशन में थोड़ा सा कोई आउट हो गया, कोई किसी ने प्रभाव डाला। तो ये पांचवें दिन जो था सात्विकी, अगर आपको याद होगा गीता में भी इसका नाम आता है, युयुधान नाम देता है, युयुधान करके। तो ये सात्विकी यदुवंशी है, और आप कहेंगे प्रभु जी पर यदुवंशी तो सब उधर से लड़ रहे थे। नहीं, भगवान ने क्या कहा था कि मेरी 10 करोड़ सेना जो गोप जो स्वयं नारायण के जैसे है वो मैं तुमको दे रहा हूं दुर्योधन को, ठीक है। तो 10 करोड़ जो सेना थी वो दुर्योधन के साथ थी यदुवंश में। उसके अलावा मोस्ट इनको छोड़ करके बाकी लोगों ने बलराम जी का साथ दिया। क्या दिया बलराम जी के साथ, मतलब न्यूट्रल रहे, वो कहे हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं, कौन, दुर्योधन भी और अर्जुन पांडव भी। तो मोस्ट ऑफ देम यदु नहीं लड़े, और कुछ यदु जैसे कि सात्विकी है, ऐसे कुछ सात्विकी की सेना इसके पुत्र, ये कहां लड़े, इनके तरफ से, अर्जुन के तरफ से। क्यों, क्योंकि सात्विकी के गुरु, एक्चुअली में सात्विकी बहुत छोटा था अर्जुन से, तो सात्विकी द्रोणाचार्य से भी धनु विद्या सीखा था और इसका मेन जो टीचर थे वो अर्जुन थे, तो इसने अर्जुन से सीखा था, तो इसलिए ये सात्विकी अर्जुन के तरफ से युद्ध कर रहा होता है। तो सात्विकी बहुत विशेष कार्य भी करता है, आज भी किया है, और 14वें दिन भी देखेंगे उसने क्या किया था, वो 14वें दिन देखेंगे। तो सात्विकी क्या करता है, दुर्योधन के आर्मी पे अटैक करना स्टार्ट करता है, और दुर्योधन के आर्मी पे अटैक करना स्टार्ट करता है, बहुत पराक्रम लेता है। सोचो सात्विकी किससे पराक्रम ले रहा है, अपने ही गुरु एक तरीके से द्रोणाचार्य से,
अभी उम्र के लिहाज से आप समझ लो, अनुभव के लिहाज से द्रोणाचार्य के सामने सत्य की कुछ नहीं था। और द्रोणाचार्य के पास क्या था? दिव्यास्त्र था, दिव्य अस्त्र, मंत्र की शक्ति, ठीक है। सात्यकी उनसे पराक्रम लोहा ले रहा है द्रोणाचार्य से, और लोहा लेते लेते उनको टक्कर देने लग जाता है। फुर्तीला है, हारता नहीं है, गिराते हैं द्रोणाचार्य, लेकिन फिर उड़ जाता था। और इस तरीके से टक्कर देने के लिए तो फिर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास बहुत सेना भेज देता है, और भूरिश्रवा इन लोग के साथ। तो फिर सात्यकी क्या करता है, भूरिश्रवा से युद्ध करने लग जाता है। तो वॉर जो है, युद्ध, ये इंडिविजुअल गेम भी है, स्पोर्टिव गेम भी है। तो ये भगवान कृष्ण का और अर्जुन का इतना परम सखा होने के बाद ये युद्ध करता रहता है, युद्ध करता रहता है, देखो। और यहाँ पे सात्यकी थक जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति कितने से युद्ध करेगा, भूरिश्रवा ये सब आ जाते, सोमदत्त भालिक ऐसे करके सबसे युद्ध कर रहा होता है। सात्यकी थक जाता है लेकिन हारता नहीं है। और यहाँ पे सात्यकी हमें क्या सिखाता है, हर एक कैरेक्टर हमको कुछ ना कुछ सिखा रहा है कि जीवन में करेज भी चाहिए होता है, सिर्फ कॉम्पिटेंसी नहीं, दोनों चीज की जरूरत है, करेज एंड कॉम्पिटेंसी। जैसे अगर आप मान लो करेजियस हो, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि कोई सोल्जर है, वो सोचता है कि मैं तो करेज, मैं जाके युद्ध करूंगा, और वो अकेले आर्मी में घुस जाएगा, ठीक है, अब मारना चालू करेगा एकदम मशीन गन से, ठीक है, 10-15 को मार दिया, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, चटनी बन जाएगा, ठीक है। और पहले तो मशीन गन भी चलाने आना चाहिए। मान लो हमने कह दिया कि हमें क्रोध आ गया, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक हमने, मतलब स्ट्राइक देख लिया, किसी हमारे दुश्मन ने हमारे देश पर अटैक कर दिया, और हमको भी जोश आ गया, चलो हम चलते हैं युद्ध करने, और युद्ध में जा करके खड़े हो जाते हैं, मशीन गन चलाने ही नहीं आ रहा है, पता चला गन के चलाने की जगह पे अपने दुश्मन को मारने की जगह पे दोस्तों को ही मार दिया, ठीक है। तो स्किल भी होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि दुश्मन की जगह हम मार दे। तो कॉम्पिटेंसी के साथ साथ लेकिन थोड़ा सा करेज भी होना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे पेपर आ जाता है बच्चों के पास, ठीक है, स्किल होता है, पढ़ के आए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो घबरा जाते हैं, और सोचते हैं कि कहीं मेरे को भी फेल करने के लिए पेपर बनाया गया है क्या, टीचर ने जानबूझ के फेल करने के लिए बनाया मेरा ये पेपर। तो कई बार हम करेज तोड़ देते हैं, करेज टूट जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि क्यों पेपर दें, पास होने से क्या मिला है आज तक किसी को, जो हमको मिलेगा, ठीक है, तो इससे बढ़िया छोड़ देते हैं पेपर ही। तो दोनों की जरूरत है कि क्यों हम लड़ रहे हैं, इसलिए करेज को बोलते हैं विल पावर, और कॉम्पिटेंसी को कह सकते हो स्किल पावर, दोनों की जरूरत है, विल पावर और स्किल पावर दोनों की हमें जरूरत है लाइफ में, विल टू फाइट एंड स्किल टू फाइट। तो ये हमारा लाइफ भी एक तरीके से बैटल है। ये बैटल कैसा है, वहां युद्ध हो रहा है, यहाँ पे भी हमको माया रूपी खास करके ऐसे लोगों से लड़ना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमको इनर स्ट्रेंथ चाहिए, इनर विल भी चाहिए, और स्किल भी चाहिए। कि जैसे लाइफ में, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो तोतली भाषा बोलता है, माँ को अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो बड़ा हो जाए और कहीं स्पीच दे रहा हो और वहां पे भी लड़खड़ाए तो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे जितना माँ ने उसको अप्रिशिएट किया था, ठीक है ना। तो इसलिए स्किल्स की जरूरत होती है लाइफ में, स्किल्स के साथ साथ विल की भी जरूरत। तो सात्यकी देख रहा, स्किल था सीखा था, उसके साथ साथ करेज भी था, लोहा ले रहा था, और उसके 10 पुत्र मारे गए। किसने मारा? भूरिश्रवा ने। उसके सामने उसके 10 पुत्रों को मार डाला, फिर भी थक गया है, 10 पुत्र मारे गए, फिर भी युद्ध कर रहा है। ये लाइफ में सात्यकी से हम देखते हैं कि कई बार घटनाएं ऐसे होंगे, पर हमको घबराना नहीं है। तो 5वें दिन हमारे सात्यकी हीरो रहते हैं, बहुत हीरो हैं, पर सात्यकी मेन हीरो रहता है। और फिर सात्यकी की रक्षा करने के लिए भीम आ जाता है, और भीम आ करके सात्यकी गिर जाता है, गिर के फिर उठता है, और सात्यकी की रक्षा करने के लिए भीम आ जाता है, भीम फिर द्रोणाचार्य से उसकी रक्षा करता है, और इसके बाद
संक बच जाता है और पांचवा दिन में सात्यकी के 10 पुत्र मारे गए होते हैं। फिर भी सात्यकी करेश के साथ द्रोणाचार्य और बड़े बड़े दिग्गजों का सहायता मतलब की टक्कर लेता है। तो हमने ये भी देख लिया Why we can't understand God? हम भगवान को क्यों नहीं समझ पाते हैं? अपने अहंकार के कारण। Do not underestimate. बाकी सब अभी धीरे धीरे और ये courage and competency. छठा दिन क्या होता है देखते हैं। और day six में कुछ सोचता है दुर्योधन क्या सोचता है कि जैसे हमने देखा था पहले दिन सबने गरज के बोला था भीष्म ने कहा था 1 महीने में मैं समाप्त कर दूंगा। इसने द्रोणाचार्य ने क्या कहा था 1 महीने में मैं भी। अश्वत्थामा 10 दिन, कर्ण 5 दिन, वो तो खेल ही नहीं रहा मैच में, 12th बैट्समैन बनकर बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हर कोई अपना अपना कह रहा था, अर्जुन भी कह रहा था मैं भी मार दूंगा पलक झपकते ही। तो क्या ये लोग झूठ बोल रहे थे? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे थे। एक एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेशन आदमी देता है, ठीक है, लेकिन बार बार एस्टिमेशन देने के बाद जैसे एक एस्टिमेट करते ना कि किसी प्रोडक्ट का भी या किसी चीज का, तो एस्टिमेट कि हाँ, और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी कई बार ऐसे हम लोग बोलते हैं एग्जैजरेशन, लेकिन हमको बार बार री इवेल्युएट करना चाहिए। अगर आप देखो दुर्योधन का प्रॉब्लम क्या था, वो अंडर एस्टिमेट करता था किसको, सामने वाले को, और अपने आप को ओवर एस्टिमेट। तीसरे दिन जब वो मारा गया, कौन मारा था उसको? घटोत्कच। आप पढ़ना जाकर के भगवत गीता के पहले चैप्टर में, जब वॉरियर का नाम दे रहा होता है, सभी वॉरियर का नाम लेता है, बस एक कृष्ण को नहीं लेता है, एक घटोत्कच का नाम नहीं लेता है। कृष्ण का नाम इसने नहीं लेता है क्योंकि कृष्ण को वो सोचता है कि वो तो कभी वस्त्र उठाएंगे नहीं, पर वो ये भूल गया कि कृष्ण तो अस्त्र नहीं, अपने शास्त्र से भी तो बदल सकते हैं। जो भगवान हैं उनको हमेशा शस्त्र लेने की जरूरत नहीं है, वो काउंसलिंग करके उनके पास, जब अर्जुन जैसा पराक्रमी योद्धा है तो उस अर्जुन को गीता का ज्ञान दे करके वो टर्निंग पॉइंट मैच को, जो कि क्लाइमैक्स रहता है, जो क्लाइमैक्स कह सकते हैं चेंजिंग पॉइंट, वो भगवान ने दिखाया। तो कई बार हम लोग भी कृष्ण को छोड़ करके, जैसे खास करके मटेरियलिस्ट लोग कृष्णा को, मॉडर्न थिंकर कृष्णा को कुछ समझते ही नहीं, ठीक है, वो सोचते हैं कृष्णा को हटाओ साइड में, हम अपने दम से सब कुछ कर देंगे, और वो सब चीज ट्राई करते हैं, बट बिकॉज उनके ट्राई करने के बाद भी हम देखते हैं कि सॉल्यूशन नहीं। और दूसरा, इसने घटोत्कच को छोड़ दिया। देखो अंडर एस्टिमेट कर सोचा था, घटोत्कच का नाम भी नहीं लेता है। तो दुर्योधन देखोगे वो वहां पे डींगे भी हाँकता था। आप देखोगे गीता में वो बोला भी है, गीता के वो श्लोकों में आप देखोगे वो कहता है कि मेरे पास 11 अक्षौणी सेना है, भीष्म पितामह जैसा मेरे पास योद्धा है, द्रोणाचार्य जैसा मेरे पास योद्धा है, ये क्या जीतेंगे? ठीक है, आदमी को अंडर एस्टिमेट अपने आप को करना चाहिए, सामने वाले को ओवर एस्टिमेट करना चाहिए। अंडर एस्टिमेट का कहने का मतलब नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन अहंकारी नहीं होना चाहिए कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। या जैसे एक भक्त को अपने जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए अरे मेरे को माया कैसे हटा देगा, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, भगवान के नाम का प्रचार कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, 16 माला जप कर रहा हूँ, भगवान का दर्शन दे ले रहा हूं, दर्शन लोगों को दिलवा रहा हूं। अगर हम भी ये अहंकार में रहेंगे तो हमने देखा है कई भगवान के पार्षद भी अहंकार के वश में आ जाने के कारण फंस जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि फंस क्या जाते हैं, जब आप अहंकार करते हैं वही समय फंस गए हैं। बस अब कुछ ही दिन बाकी है, तो हम देखते हैं, जैसे कहते ना कि जो प्राउड व्यक्ति होते हैं वो स्वयं तो गिर जाते हैं, लेकिन उनका जो अहंकार है ना, जो अंदर का अहंकार, वो नहीं जल्दी गिरता है, चेंज नहीं होता है।
तो ऐसे ही दुर्योधन है, छठे दिन भी दुर्योधन किससे युद्ध करने आता है, भीम के साथ, और भीम उसके साथ एकदम पावरफुल युद्ध करता है। और आज भी भीम, ये तीसरी बार है, पहली बार तीसरा दिन में किसने, घटोत्कच ने गिराया, फिर हम देख रहे थे फिर भीम ने उस दिन भी गिरा दिया था चौथे दिन, और आज छठे दिन में, छह दिन में तीन बार कौन दुर्योधन को गिरा देता है, कौन भीम। और वो भीम जब गिरा देता है तो फिर भी दुर्योधन, मतलब देखो दुर्योधन का यहां से चरित्र से एक और चीज सीखते हैं कि व्यक्ति गिर जाता है अहंकार के ऊपर, अहंकार से, लेकिन फिर भी अपना दंभ नहीं छोड़ता। जैसे एक व्यक्ति था, ठीक है, दो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं कि कैंची ज्यादा इंपॉर्टेंट है या चाकू, और कैंची वाला कहता है कि कैंची इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति, दूसरा वाला कहता है चाकू। चाकू वाला मोटा तगड़ा था, उठा करके पटक के डुबो देता नदी में, कहता अब बताओ, वो डूबते डूबते भी कहता नहीं नहीं कैंची। तो कई बार हमारा जो अहंकार होता है, हम डूब रहे होते हैं फिर भी हम अपने आप को, हम मतलब कि अपना अहंकार नहीं छोड़ते। वैसे ही और एक और चीज है, अहंकारी व्यक्ति का वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, 10 किलो का वजन उठाने की ताकत होता है, लेकिन कई बार बोलेगा ना कि अरे मैं 50 किलो का बोरा उठा लूंगा, और जैसे ही 50 किलो का बोरा लाद दो तो क्या करेगा, ऐसे धड़धड़ा के गिर जाएगा। तो उसी तरीके से दुर्योधन तीन बार हार गया, उसको सोचना चाहिए कि सही में पांडवों से मैं क्यों पंगा ले रहा हूं, लेकिन पंगा लेने के बजाय, सोचने के बजाय वो ये सोचता है कि अरे तीन बार गिरा हूं ना, क्या हुआ, अभी और है, मैं युद्ध करूंगा और देखो मैं कैसे उसको हराता हूं। तो यहां पे हम ये सीखते हैं कि अनलेस देर इज एन इनर चेंज, जब तक हम नहीं बदलना चाहेंगे, अपने अंदर को परिवर्तन नहीं करना चाहेंगे, चाहे कितनों कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, हम देखते हैं व्यक्ति, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर आ जाए, चाहे कोई बता भी दे, तब पर भी व्यक्ति बदलता नहीं है। और इसके बाद दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पुनः जाता है और उनसे कहता है कि आप बहुत पराक्रम से युद्ध करिए। छठा दिन भीष्म पितामह कहते हैं तुम घबराओ नहीं, मैं सही में दुर्योधन बहुत वीरता से युद्ध करूंगा। और देखते हैं कि भीम ने फिर से दुर्योधन को गिरा दिया। सातवां दिन, और सातवां दिन जो नाम था वो था दो पांडव भाइयों के। पांच पांडव में आप देखो तो युधिष्ठिर को सबसे ज्यादा लोग किस लिए जानते हैं, उसके धर्म प्रायणता के लिए। फिर उसके बाद भीम जो है उसको लोग क्यों जानते हैं ज्यादा, उसके एकदम पराक्रम के लिए और खाने के लिए, और अर्जुन को गांडीवधारी अर्जुन। लेकिन ये नकुल सहदेव इतने प्रतिभाशाली, कह सकते अपने तीनों भाइयों के जैसा तो नहीं थे, फिर भी थे पर नहीं थे, पर इनके मन में कभी ये नहीं आया अरे मेरा नाम नहीं आता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, या मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना होगा। नहीं, आप देखोगे पांचों भाइयों में कभी भी लड़ाई नहीं हुआ इस चीजों को लेकर के। यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर सीखना है तो पांचों भाइयों के जीवन से हम सीख सकते हैं। तो नकुल का मतलब क्या है, जो कुल में उसके जैसा कोई ना हो। तो कुल में उसके जैसा कोई नहीं था, इसका मतलब, कहने का मतलब, इसके जैसा सुंदर पूरे कुरु वंश में कोई नहीं था। और सहदेव का मतलब देव, जिसके साथ देव हो, यानी गुण, जो देवता का जिसके पास गुण हो वो सहदेव है, देवता के गुण। ये आयुर्वेद और स्वॉर्ड फाइटिंग में एक्सपर्ट था, ये एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र और भाली में भी, ये भी एक्सपर्ट था सत्य, लेकिन और चीज भी आता था, लेकिन जितना एक्सपर्ट इसके बाकी तीनों भाइयों थे, तो वैसा नकुल और सहदेव नहीं थे।
और नकुल सहदेव ये भी नहीं सोचते थे कि अरे हम इतना इंपॉर्टेंट या फेमस क्यों नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि भगवान ने हर को हर चीज के लिए किसी न किसी प्लेयर रोल के लिए अदा करने के लिए दिया है। जैसे हारमोनियम में हरेक जो होता है जो बजाते हैं वो हर का हर समय में उसका जरूरत होता है। ठीक है, हम ये सोचे कि हर समय मैं ही चलूं तो फिर ट्यून अच्छा नहीं बैठेगा। इसीलिए जीवन में नकुल सहदेव से हम ये सीखते हैं, एक तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दूसरा चीज हमको ये समझना चाहिए कि हमको दूसरे के जैसा नहीं बनना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए भगवान हमारे से हमसे क्या कार्य कराना चाहते हैं, व्हाट रोल व्हाट कंट्रीब्यूशन आई कैन डू फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द गॉड, क्या मैं रोल और क्या मैं कंट्रीब्यूशन समाज के लिए कर सकता हूँ, ये नकुल और सहदेव से हम सीखते हैं। तो नकुल और सहदेव युद्ध पे आते हैं और इन्होंने ये सातवें दिन में महापराक्रम युद्ध किया। दोनों एक्चुअली में एक ही साथ रहते थे, कभी एक ही चैरियट में कभी अलग अलग, तो दोनों पर एक साथ युद्ध करते थे, दोनों ट्विन ब्रदर थे। ठीक है, तो ऐसा ना हो जाए कि कोई समझ ना पाए कि कौन नकुल है कौन सहदेव, तो दोनों एक साथ रहते थे। तो नकुल और सहदेव मद्र राज जो कि इनके मामा भी थे, मद्र राज है ये, मद्र राज से नकुल और सहदेव टक्कर लेते हैं और नकुल और सहदेव मद्र राज को गिरा करके मार डालते हैं। ऐसा महाभयंकर युद्ध होता है इन दोनों के बीच में कि ये नकुल और सहदेव के बीच में मद्र राज के बीच में कि नकुल और सहदेव के चैरियट टूट गया था, रथ टूट गया था, फिर भी वहां से उन्होंने बाणों के ये मद्र राज को मार डाला और मद्र राज को मारने के बाद नकुल और सहदेव आगे बढ़ने लग जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते फिर नकुल और सहदेव बाकी योद्धाओं से युद्ध करने लगते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे नकुल और सहदेव से, जैसे सहदेव जो कि धर्मात्मा था अपने भाई के जैसा युधिष्ठिर के, तो नकुल और सहदेव जैसे कई बार लोग बोलते ना धर्म धर्मो रक्षति रक्षिता, आप सुनोगे ऐसे लोग बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता कि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता है, स्वाभाविक है। प्रश्न उठता है कि क्या धर्म हमेशा रक्षा करता है या नहीं करता है, कैसे इसको समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि ये जो यूनिवर्सल वर्ल्ड है यहाँ पे बहुत चीजें लगता है। जैसे कोई एक आदमी गिर रहा है 10वें बिल्डिंग से, अभी साइंस के अनुसार उसके ऊपर ग्रेविटी लग रहा है, वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, हो सकता है वो इतना तृप्त हो गया था कि वो खुद सुसाइड करने की वजह से गिर रहा हो। ठीक है, या कई बार कुछ लोग धक्का मार दिए हो कोई दोस्त अपना, इसलिए गिर रहा है। तो लाइफ में सिर्फ ये कह देना कि मैं धर्म आत्मा हूं और जा करके खड़े हो जाना कि हाँ मेरा धर्म रक्षा करेगा, हाँ रक्षा करेगा, लेकिन आपको भी तो करना पड़ेगा। जैसे मैं ये कहूं कि मैं 16 माला जप करता हूं तो मैं दांत मंजन नहीं करूंगा, ब्रश नहीं करूंगा, 16 माला का जप से आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा पर आपका दांत सड़ेगा भी, क्योंकि ये मटेरियल नेचर है। भगवान भी हम देखते हैं दशम स्कंद के भागवत में हर एक कार्य करते हैं, तो ये कह देना कि मैं 16 माला भगवान का या नाम लेता हूं तो मेरा दांत नहीं, मैं दांत में कीड़े नहीं लगेंगे, ये शायद हमारी सोच में थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए विक्ट्री अगर मैथ्स में आपको पढ़ा देता हूं थोड़ा सा, वर्च्यू प्लस इन हमारा एंडेवर दोनों चाहिए, इंडस्ट्रियस कह सकते हैं, ये दोनों की जरूरत है तब विक्ट्री। हम ये देखते हैं
अर्जुन वर्चू धर्म के साथ था लेकिन क्या स्किल नहीं डेवलप किया, हम देखते हैं वो, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, गुणा केस, कि रात हो या दिन, दिन रात एक करके भी वो क्या कर रहा था, महान धनुर्धर बना। 12 साल के वनवास में वो देवलोक तक गया किसके लिए, दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करके पशुपात अस्त्र प्राप्त कर लिया। तो इसलिए सिर्फ धर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, धर्म भी है, धर्म के साथ साथ हमारा एंडेवर भी होना चाहिए, तब विक्ट्री प्राप्त होता है। नकुल और सहदेव धर्मात्मा थे, फिर भी वो संघर्ष के साथ अपने भाई की तरह, भाई के एकदम जैसे तो नहीं थे पर भाई की तरह ही युद्ध में वो तत्पर थे और युद्ध में लगे रहते। तो यहाँ पे हमने नकुल और सहदेव से ये चीज सीखा। और अब आता है 8वां दिन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट दिन, और 8वें दिन क्या होता है देखते हैं। डी ए 8वें दिन बहुत कुछ होता है, एक एक लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं इरावान, इरावान उलूपी का पुत्र था। जब अर्जुन, एक बार आपको याद होगा मैंने आपको कहानी भी बताया था, फ्लैशबैक करके थोड़ा सा आपको पीछे ले जा करके बताता हूं, अर्जुन एक बार जैसे जब पांचों पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह हो जाता है और सब एक कंडीशन करते हैं कि जब कोई किसी के साथ, जब कोई द्रौपदी के साथ संग कर रहा होगा तो बाकी चारों भाई उधर नहीं आएंगे। जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ अपने रूम में होते हैं तो युधिष्ठिर, उसी समय कोई ब्राह्मण आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी रक्षा करिए, और अर्जुन उनकी रक्षा करने के लिए जाते हैं क्योंकि उधर ही उनका गांडीव रखा होता है। तो चूंकि फिर उन्होंने वचन तोड़ा, तो ये कहा गया था जो ये वचनों को तोड़ेगा, ये कंडीशन को, उसको 13 साल के लिए वन जाना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना पड़ेगा। तो ये 13 साल का व्रत वनवास के लिए निकल जाते हैं कौन, अर्जुन। और जब अर्जुन निकले होते हैं तो कई राज्यों में जाते हैं, कई जगह अलायंसेस करते हैं, विवाह करते हैं, क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य किससे था, द्रौपदी के साथ, ठीक है। तो जब वो नागलोक में पहुंचते हैं वहां पे उनका विवाह होता है उलूपी के साथ, और इस उलूपी से उनको एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम होता है इरावान। जैसे भगवान, भगवान का मतलब होता है जो कि पोसेसर ऑफ एवरीथिंग, जो कि भग सारे, जो सट ऐश्वर्यों के जो वान है वो भगवान है। उसी तरीके से इरावान का मतलब, कहने का मतलब है एक चीज कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस करे। इरा का मतलब होता है भोजन, फूड, फूड, ठीक है ना। तो फूड एक तरीके से प्रोसेसन होता है, ठीक है ना। तो जो इरावान मतलब कि जो पोसेशन को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोसेशन रखे, वो इरावान। और दूसरा मतलब ये भी कह सकते हैं जो खुद यज्ञ के, इरा एक प्रकार का भोजन होता है जो कि यज्ञ के लिए यूज किया जाता है। तो जिसका जीवन ही यज्ञ के लिए, जीवन ही जो जिसका जीवन ही एक भोजन हो यज्ञ के लिए, यानी कहने का मतलब जिसका जीवन ही एक तपस्या हो दूसरों के यूज में आए, वो इरावान है। तो ये इरावान क्या करता है, ये शकुनी से पहली बार, शकुनी और उसके जो भाई होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप याद रखो, कई लोगों ने मेरे को जब वो पासा का गेम हो रहा होता है तो मेरे को बोला कि प्रभु जी हमने ऐसा सुना है, देखो कहाँ कहाँ से हम सुनते हैं, क्या क्या सुनते हैं, ठीक है सुन सकते हैं, लेकिन बस ये है कि हमारा फेत नहीं हिलाना चाहिए वो भगवान के प्रति। तो कई लोगों ने मेरे को बोला प्रभु जी हमने कहानी सुना है, शायद ये स्टार प्लस में आया है, जो भी है, कहाँ से आया मेरे को भी नहीं पता, उन लोगों से तो पूछना चाहिए कहाँ से ये लोग इतना लाते हैं स्टोरी, कि
दुर्योधन के पिता ने मतलब धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन ने सुबल के पुत्र शकुनी के और शकुनी के भाइयों को बंदी बना करके कुछ तो बता रहे थे कि भाइयों को मार डाला। उनके भाइयों को मार डालने की वजह से शकुनी के पिता ने उसका पैर तोड़ दिया शकुनी का और कहा कि जीवन भर याद रखना तुमको बदला लेना है। और वो जो पासा था जो शकुनी का पासा वो एक्चुअली में उन्हीं भाइयों के हड्डियों से बना, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ तो स्टोरी बता रहे थे। अभी यहाँ पे जो महाभारत मैं आपको बताऊंगा तो फिर उनका स्टोरी क्या था आप उन्हीं से पूछना। महाभारत के अनुसार ये चैप्टर नंबर 90 है, आप जाके देखो, मैं वर्ड्स भी लिख दे रहा हूं 44। इरावान सिर्फ सुबल पुत्र शकुनी से नहीं टक्कर ले रहे होते हैं बल्कि शकुनी के सारे भाइयों से। अगर शकुनी के भाई जब मर गए तो फिर यहाँ पे कैसे आ गए, प्रश्न उठता है ना। जब वो कहानी सही है यहाँ पे तो साफ साफ महाभारत में लिख रहा है तो फिर उनसे पूछना चाहिए कि कहाँ से वो कहानी आया, ठीक है। तो शकुनी के भाइयों को इरावान टक्कर देता है और शकुनी के भाइयों को इरावान जब टक्कर देता है तो इरावान पूरा एकदम घुस जाता है, वो गिर जाता है। शकुनी के भाई उसको कपट से मारने का प्रयास भी करते हैं। अभी इरावान क्या है, ये नाग लोग के हैं तो ये नाग जैसे हैं तो इनके ऊपर पूरा अटैक कर देता है लेकिन वो घबराता नहीं है, फिर उठ जाता है और फिर उठ करके वो सुबल पुत्र जो शकुनी के भाई हैं उनको मारना स्टार्ट करता है और एक एक करके एक एक को मार डालता है और शकुनी के सारे भाइयों को मार डालता है। यहाँ पे शकुनी के सारे भाई मारे गए हैं किसके द्वारा, इरावान के द्वारा। और जब इरावान इस तरीके से लड़ता रहता है मारते हुए तब मामा की चिंता आ जाती है मां भांजे को। दुर्योधन कहता अरे जाओ मेरा मामा चला जाएगा आज ही, उसको बचाओ। और मामा को बचाने के लिए सब पूरा दुशासन। और इधर दुर्योधन जाता है एक राक्षस के पास, देखो यहाँ पे भी इसके तरफ से भी एक राक्षस था जिसका नाम होता है अम्बूस, इसका नाम देख लेता हूँ अलम्बूस, अलम्बूस नाम होता है। ये बकासुर का भाई होता है, बकासुर वही बकासुर जिसको एक चक्रा नगरी में भीम ने मारा था, जो कि एक चक्रा भोजन और कहता था कि मेरे को एक मनुष्य चाहिए और 10 भैंस, तो उसी बकासुर को मारा था। तो ये अलम्बूस भीम से बदला लेने के लिए क्या दुर्योधन के साइड हो जाता है ये राक्षस, और ये अलम्बूस राक्षस अटैक करना स्टार्ट करता है और ये इतना प्रभावी था लेकिन इरावान उसको मारता है। जैसे जटायु जब रावण को हाथ काट देता है ना तो रावण का हाथ कट जाने से फिर क्या हो जाता था, वापस आ जाता था। जैसे भगवान राम ने रावण के 10 सिर काटे तो बार बार उसके सिर प्रकट हो जा रहा था, वैसे ये अम्बूस इतना बड़ा मायावी था कि उसके सारे अंगों को काट दिया फिर भी वो फिर जुड़ जाता था कौन अपने माया से, और वो छिप करके अटैक करने लग गया। और उसने गरुड़ जो ईगल होता है वैसा उन्होंने उसने वेश बना लिया और वो वेश बना करके अभी गरुड़ का भोजन क्या होता है ईगल का सांप, और ये लोग सांप थे तो उस पर अटैक कर देता है ये सारे जो इनके सांप युद्ध में आए थे और उन सबको खाने लगता है और ये गायब हो जाता था। तो अपनी मायावी से इतना प्रभावित कर देता है इरावान, घबरा जाता है लेकिन फिर भी डरता नहीं है, भागता नहीं है, युद्ध करता है। लेकिन समहाउ अदर अम्बूस अलम्बूस उसको पकड़ता है और मार डालता है इरावान को। और जब इरावान गिर जाता है मर जाता है तब घटोत्कच फिर वापस आता है और घटोत्कच देखता है कि मेरा भाई, क्योंकि अलम्बूस भी राक्षस था, घटोत्कच अटैक करना स्टार्ट करता है और सबसे पहले वो भीम से लड़ता है और भीम उसके ऊपर, अरे भीम कर रहा हूँ, दुर्योधन से लड़ता है। दुर्योधन उसके ऊपर गदा फेंकता था, उसको कुछ होता नहीं था, वो गदा पकड़ के ऐसे उठा करके उसके ऊपर फेंक देता था। उसने अपना विकराल रूप कर लिया था क्रोध के कारण कि मेरे भाई
मतलब मेरे अर्जुन मेरे पिता के पुत्र के वध हो गया, और वो पकड़ पकड़ के रथों को उठा उठा के ऐसे खा जाता था, राक्षस था ना, तो ऐसे रथों को उठा उठा के, ये देख करके कि दुर्योधन आज ही मारा ना जाए, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सब कृपाचार्य उसके ऊपर आ जाते हैं अटैक, किसके ऊपर, ये घटोत्कच के ऊपर, घटोत्कच एकदम पूरा मतलब वो एकदम ऐसे मूड में आ जाता है, ऐसे मूड में आ जाता है कि आज ही पूरा वो कहा कि आज तो बस, आज ही बस दिन खत्म, आठवां दिन ओवर, आज खत्म कर देना, आज मैच पूरा फुल फुल ओवर, जैसे नहीं कभी कभी जो बैट्समैन आ जाता है कई बार ऐसा लगता है कि बस अब पांच ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, 50 ओवर खेलने की जरूरत ही नहीं, तो वैसे वो मारना स्टार्ट करता है। भीम देखता है कि जब दुर्योधन का मदद करने के लिए दिग्गज आ गए भीम भी अपने पुत्र की रक्षा के लिए एकदम घुस जाता है कि पुत्र घबराओ नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, और भीम भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सोचो भीष्म पितामह, अब पढ़ना ये जाकर के चैप्टर कौन सा, भीष्म पितामह बोलते हैं किसको, द्रोणाचार्य को, मेरे को लगता है हमें शंख बजा देना चाहिए, शंख बजा देना चाहिए नहीं तो हम बच जाएंगे, ऐसा भीष्म पितामह, क्योंकि पूरा तक सूर्यास्त नहीं हुआ होता है पर सूर्यास्त होने वाला होता है, और यहाँ पे शंख बजा देते हैं, क्योंकि एक बार शंख अगर बज गया तो फिर युद्ध को रोकना पड़ता था, ठीक है, तो ये शंख बजा देते हैं क्योंकि उनको लगा अगर अब नहीं बजाया ना तो कुछ सेना ही नहीं बचेगा, वो क्यों इतना विकराल हो गया था, और भीम भी उसको, भीम और कटोत्कच दोनों पराक्रमी, बाप भी बेटा भी दोनों मतलब, और बेटा तो आज पागल हो गया था, तो दोनों एकदम अटैक कर रहे होते हैं, ये देख करके दुर्योधन का तो एकदम थर थर कांपने लग जाता है, और वो जा करके, हाँ ये वो, हाँ ये चीज होने के बाद वो जा करके भीष्म पितामह शंख बजा देते हैं, शंख बजने के बाद युद्ध बंद हो जाता है, और युद्ध बंद होने के बाद दुर्योधन को एकदम क्रोध आ रहा होता है कि अरे आज बच गए नहीं तो आज ही गेम ओवर हो गया था, और जाकर सबसे पहले अपने मित्र कर्ण के पास जाता, कहता है अरे तुम कब तक 12th बैट्समैन रहेगा, आकर के खेलो बाबा, जब रहेगा ही नहीं टीम, जीत मैच ही हार गए होंगे तो 12th बैट्समैन रह के क्या करोगे। कर्ण कहता देखो या पढ़ना जाकर के, जैसे मैंने बताया कर्ण ने कहा पहले उस बुढ़ऊ को हटाओ, किसको, बुढ़े को, किसको, भीष्म को, क्यों मारू मैं और लेके जाए वो, कैप्टन मेरे को बनाओ टीम का, ताकि वर्ल्ड कप का ट्रॉफी मैं उठाऊंगा, चौवा छक्का मैं लगाऊं और ट्रॉफी वो लेकर के फोटो वो खिंचवाए, ये ऐसा कर्ण बोलता है, मतलब ये ट्रॉफी वाला बातचीत नहीं मतलब उस तरीके से, और वो कहता है कि तुम जा करके मैं तुमको वचन देता हूं, घटोत्कच हो या अर्जुन हो, मैं एक ही दिन में सबको गिराऊंगा, बस मेरे को वो भीष्म पितामह को कहो कि, क्योंकि जब तक वो रहेंगे मैं युद्ध तो करूंगा ही नहीं, तो इसलिए उनको कहो कि रख दे अपना हथियार। और यहां पर दुर्योधन कहता है मैं चाहता हूं अभी भीष्म पितामह को कहता हूं, क्योंकि पकड़ा गया था दुर्योधन, कहा कि अरे मरते मरते बचाऊं आज भाई, वो कहता है कि आज ही मैं जाके दुर्योधन भीष्म पितामह को कहता हूं कि आप साइड हो जाइए, कर्ण लड़ेगा, और वो जा करके भीष्म पितामह के पास जाता है। सोचो भीष्म एक क्षत्रिय को बोलना कि तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, कायर हो, उसको ललकारना, उसको चोट देना कितना बड़ा, और वो भीष्म पितामह को, अपने दादा को ऐसे बोलना, तो जब ऐसे बोलता है तो भीष्म पितामह को बहुत दुख होता है, कहते हैं भीष्म पितामह को इतना चोट पहुंचाता है, और ये इसका स्ट्रेटजी भी होता है, क्योंकि उसको वो कहता है अरे आपको जब युद्ध ही नहीं करना था तो फिर आप क्यों आए, इससे बढ़िया, क्योंकि युद्ध कर रहे थे लेकिन वो मार नहीं रहे थे ना पांडवों को, कहते जब आपको मारना ही नहीं है तो मैं, आप क्यों युद्ध कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप इससे अच्छा है कि आप हट जाइए, और हट जाइए, और वो सूतपुत्र कर्ण को, वो कर्ण को युद्ध करने दीजिए, वो कह रहा है कि वो एक ही दिन में मैच जिता देगा। भीष्म पितामह कहते हैं वो कर्ण, एक तो मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बाल पके नहीं है, एक तो मैं तुम्हारे लिए पूरा एकदम युद्ध कर रहा हूँ, खाओ देख रहे हो पूरा फर रहा है, अरे मैंने बोल दिया है भाई वो सामने है वासुदेव देव
भगवान श्री कृष्ण है, उनको हटा दो तो फिर मैं युद्ध करूं। अरे वो वहां पे गांडीवधारी अर्जुन है, तुम क्या कर रहे हो? बोल देते भीष्मतामह, तुम क्यों नहीं आज के लड़ ले रहे हो? बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो तो तुम नहीं देख रहे हो क्या? और वो तो वहां पे 12th बैट्समैन बन के बैठा है, वो तो कितनी बार, मतलब कि दो बार जब भी हुआ था तब भाग जाता था। बाहर से मैच देखने में क्या होता है, अरे मारो ना, कई बार हम लोग कहते अरे मारो, ऐसे मारो, जब वहां पे जाओगे तब पता चलेगा ना कि बॉल कैसे इन स्विंग आउट स्विंग हो रहा है। तो इसलिए तुम बाहर से वो उसका बात सुन रहे हो, मैं फिर भी, लेकिन वो जब बोलता है नहीं मैं चाहता हूँ आप या तो कल मारिए और नहीं तो फिर आप हटिए। जब ऐसे भीष्म पितामह को ललकारता है तब भीष्म पितामह 5 बाण निकालते हैं। ये महाभारत में नहीं है लेकिन ये शास्त्र में, मतलब कि हमारे आचार्यों, दक्षिण भारत के आचार्यों ने भी दिया है, तो क्योंकि गुरु परंपरा में, तो ये बहुत अच्छा चीज है, तो इसलिए हम सीख सकते हैं। तो 5 बाण निकालते हैं भीष्म पितामह, कहते हैं मंत्र उच्चारण करते कल करते ये 5 बाण से मैं मारूंगा, अब खुश मैं मारूंगा किसको, अर्जुन को, ठीक है। दुर्योधन कहता नहीं, ये 5 बाण मेरे को दे जाए, आपका कोई मूड सनक गया तो रातों रात पता चला कि कोई आ गया, जैसे कई बार होते हैं प्रभु जी दिलदार होते हो, कई बार हमारे गुरुकुल के बच्चों को पता चलता है कि प्रभु जी के पास पिज्जा या समोसा आया हुआ है, ठीक है, अभी पता है प्रभु जी कुछ सेवा है क्या प्रभु जी, हाँ मतलब अच्छे से, प्रभु जी कहते हैं अच्छा हाँ ये है, और बच्चे कहते हैं हाँ प्रभु जी सेवा हो गया, आप कहते हैं प्रभु जी वो समोसा खाएंगे क्या आप तो नहीं ना खाएंगे, अब बच्चे लेके। तो उसी तरीके से दुर्योधन कहता है कि मेरे को डाउट है, वो पता चल गया उन लोग को तो आपके पास, आप मेरे को दीजिए और मैं आपको कल दे दूंगा, टॉप सीक्रेट रहेगा। दुर्योधन लेके चला जाता है। दुर्योधन जब लेके जाता है तो यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण है, वो तो परमात्मा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्नविष्ट मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत किद्वेद विदेव चाहम। भगवान कृष्ण तो सबके हृदय में, परमात्मा व्याप में, तो भगवान को तो सब कुछ पता है, इसीलिए भगवान को छोड़ करके अगर हम सब कुछ भी प्राप्त कर लें तो हम जीरो ही रहेंगे। तो ये चीज दुर्योधन नहीं समझ पाए, पर खैर जो भी है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुमको याद होगा एक बार तुमने बचाया था दुर्योधन को, और कौन सा बात याद है, हाँ हाँ मैंने बचाया था, कहे बचाया था ना, याद है वो जब वो गंधर्व से तुमको बचाया था तुमने उसको, कहा हाँ मैंने बचाया। और दुर्योधन ने खुश होकर के कहा था क्या, कि मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम मांगो कोई वर, तुमने कहा था मेरे को अभी वर नहीं चाहिए, मेरे को जब मांगना होगा तो मांगूंगा, इसीलिए कई बार वर रख लेना चाहिए, कब भरोसा मौका मिल जाए, ठीक है। तो कहते हाँ, तो फिर केशव आज क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्या हो गया, कहे वो जा करके दुर्योधन से कहो कि मेरे को 5 बाण चाहिए। कहे कौन सा 5 बाण, कहे तुम जाओ तो, ठीक है। और केशव अर्जुन जाता है अभी, क्योंकि वो पहले का आज के युद्ध की तरह नहीं कि कहीं भी किसी को भी वेपन गोली, संध्या हो जाता था हर कोई एक दूसरे के शिविर में जा सकता है, जैसे मैच में, ठीक है, मैच खेलते हैं दो टीम, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट में, मतलब कि पार्टी या होटल में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पे भी तू मेरा विरोधी है मैं तुझे अभी बताता हूँ चल बॉल फेंक यहाँ से, बट वहां पे स्टार्ट नहीं हो जाता मैच। पर आज का मॉडर्न वॉर क्या है कि कहीं भी देखा नहीं, चाहे सिविलियन है या कोई भी, गोली बस मारते रहो, ठीक है, कहीं भी मौका, तो वो वैसा नहीं था। तो वो दुर्योधन के पास जाता है, दुर्योधन कहता है कि हाँ बोलो क्या चीज है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुमको राज्य प्राप्त करना है क्या, मैं तुमको राज्य दे देता हूँ, ठीक है। देखो दुर्योधन जैसे लोग का आप ये इंसिडेंट थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो कपटी लोग होते हैं ना, इनके कपट को इतना आप आसानी से नहीं समझ सकते, इसीलिए धर्मशास्त्र को पढ़ना पड़ता है। दुर्योधन जैसे डीमन लोग का एक ही लक्ष्य होता है जीवन में, अपने बारे में सोचना, इमेज कॉन्शियस इसको कह सकते हैं, इमेज कॉन्शियस, हमारा इमेज अच्छा रहना चाहिए दुनिया के नजर में, ठीक है, तो ये रहते हैं। अभी वो क्या कर रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, उसने क्या बोला था कि मैं 5 गांव क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि धर्मराज युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म का पालन करें, ठीक है, और 5 गांव मतलब कि नहीं देने का कारण बताता है। उसी तरीके से यहाँ पे देख लो, इसको पता है कि अर्जुन कभी नहीं मांगेगा,
क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगेगा कि हाँ, तो वो ऐसे बोल रहा है दुर्योधन कि तुमको क्या चाहिए, राज्य वापस मांगने आयो, दे दूंगा बोलो, देगा नहीं पर बोलना है। जैसे कई बार हम जाते ना, किसी कोई आ गया तो हम बोल देते कि अरे प्रभु जी आपको कुछ चाहिए क्या, और कई बार मान लो वो बोलता नहीं है क्योंकि हमको पता है कि वो नहीं मांगेगा, इसीलिए उन्हीं प्रभु जी लोग से या उन्हीं से हम बोलते हैं आपको कुछ चाहिए, या समोसा रहता है प्रभु जी खाना है क्या आपको, क्योंकि पता है वो नहीं खाएंगे इसीलिए हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हमको देना भी नहीं है। और ऐसे अगर किसी को हम नहीं पूछते हैं जो कि खा जाएगा, हम कभी बच्चों से नहीं पूछते प्रभु खाओगे क्या, क्योंकि हमको पता है वो मांग लेगा। तो अर्जुन जानता था इसलिए वो बोलता ही नहीं है, कहता मेरे को मैं राज्य मांगने नहीं आया, वो तो मैं लेके रहूंगा। और वो अपने बाहुबल पे मेरे को वो पांच बाण चाहिए। कौन से पांच बाण? दुर्योधन ऐसे बोलता कौन से पांच बाण, तुमको कहां से पता चल गया पांच बाण? कहता अरे बेटे जो तुम्हारे हृदय में है और मेरे हृदय में है वो वासुदेव नंदन है, ठीक है, तो आपने याद करिए एक बार मेरे को वचन दिया था कि पांच बाण मतलब कि आप मेरे को वरदान दोगे। तो अर्जुन कहता है, दुर्योधन कहता है कि अरे हाँ बोला तो था, ठीक है लेके जाओ, अभी क्या करते थे। अब आप कहोगे प्रभु जी ये तो फिर दुर्योधन इतना महान था, फिर देखो ये महाभारत है, ये रियलिस्टिक है, व्यासदेव ने कोई इंसिडेंट को छिपाया नहीं है, कर्ण के भी कुछ चीजों को दिखाया कि दान देता था ब्राह्मणों को, ठीक है, दुर्योधन भी कई बार कुछ अच्छे कार्य करता था, जो भी उसके पीछे कारण हो इतना तो नहीं बताया गया कि वो क्यों दिया, तो वो दिया जो भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कह देना कि दुर्योधन अच्छा व्यक्ति था। आप किसी जीवन में एक इंसिडेंट को लेकर के ये हमें समझना होगा, हम किसी व्यक्ति का एक इंसिडेंट को लेकर के, जैसे कोई बच्चा है पानी का बोतल गिरा दिया या पानी का गिलास गिरा दिया, और उसी इंसिडेंट को लेकर के हम ये जीवन भर उस बच्चे को बोलते रहे तुमको जीवन में कर ही नहीं सकता, तुम बेकार है, ये अत्याचार है, ये गलत है। इसीलिए हम देखते कई बार लोग कहते अरे खेला कैसे जीते, कौन युधिष्ठिर ने चुहा, उसको खेलना नहीं चाहिए था। यही तो महाभारत है, महाभारत ये सिखलाता है आइडियलिस्टिक कभी नहीं होता है लाइफ में, व्यक्ति गलती करता है लेकिन उसके जीवन से देखो, अरे उसने एक गलती किया है पर उसके पूरे जीवन को तो देखो, फिर उसने सुधार भी तो किया, वो देखने का प्रयास करो। और दुर्योधन मान लो ये इंसिडेंट अच्छा दिख भी रहा है पर उसके पूरा जीवन तो देखो, फिर उसके बाद बताओ। आप एक इंसिडेंट को लेकर के ये कह देना दुर्योधन महान था और युधिष्ठिर बेकार था, तब तो हमारा सोच बेकार है। इसलिए व्यक्ति को उसके पूरे हम कैरेक्टर को अगर जांचना है तो उसके पूरे जीवन पर्याप्त देखो, उसके एक इंसिडेंट को देख करके। और ये बल्कि हमारा सनातन धर्म इतना महान है कि हरेक के जीवन में जो गुण है दुर्गुण है उस सबको दिखाते हैं, ये है व्यासदेव, इसीलिए वो न्यूट्रल है, वो हर चीज बताते हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन ने दिया, मानता हूं दुर्योधन ने दिया, लेकिन क्या दिया? हाँ भाई वो क्षत्रिय का कई बार वर्ड ऑफ ऑनर होता है, मर जाते हैं लेकिन कहते हैं वचन तो कम से कम दिया, तो इसलिए उसके लिए भी रह जाते हैं। तो दुर्योधन ने दे दिया, यहाँ पे जब सुबह भीष्म पितामह ने कहा कि लाओ पांचों बार, कहता है वो तो चला गया, कहाँ चला गया, कहा वो अर्जुन आया था वो लेके चला गया, कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी मैं वचन देता हूं आज या तो स्वयं कृष्ण को अपना प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो आज मैं सही में देखोगे आज मेरा युद्ध किसका, भीष्म का युद्ध, परशुराम शिष्य भीष्म, वशिष्ठ के शिष्य भीष्म, अरे क्या गुरु थे इसके भीष्म के, वशिष्ठ भीष्म पितामह बृहस्पति से पढ़े, बृहस्पति स्कूल होता है बृहस्पति वहां पे नहीं पढ़ाते हैं, बृहस्पति से पढ़े, वशिष्ठ पढ़ाए, शुक्र नीति अपने से सीख लिया परशुराम, और वो भीष्म पितामह आज युद्ध करने के लिए, और ये है डे 9, और आज जो युद्ध होगा सही में यह 18वां का आधवां जो दिन था एकदम डेंजरस दिन था। भीष्म पितामह जिस तरीके से युद्ध कर रहे होते हैं
आप पढ़ना वर्णन, समय नहीं है नहीं तो मैं आपको पूरा बताता अच्छे से। ऐसे मार रहे होते हैं, ऐसे मार रहे होते हैं भीष्म पितामह कि जैसे रामायण में भगवान राम का वर्णन आता है कि राम जब वो तस क्या नाम है रावण, रावण आता है अब उसकी पूरी सेना आ रही होती है इतनी खूंखार, तो सारे वानर पीछे चले जाते हैं, तो भगवान राम ऐसा मोह वस्त्र वो बांट छोड़ते हैं जिससे कि हर एक जो रावण के जो योद्धा है उनको लगता है कि राम लड़ रहे हैं उनके साथ और वो आपस में मर जाते हैं। वैसे भीष्म पितामह ऐसा पराक्रम दिखा रहे थे, ऐसा पराक्रम दिखा रहे होते हैं कि साफ मेंशन आता है कि लोग भ्रमित हो रहे थे कि दक्षिण में देखा तो भीष्म दिख रहे थे, इधर देखा तो भीष्म दिख रहे हैं, इधर देखा तो भीष्म दिख रहे थे। कह रहे थे कि लोगों को ऐसा माया लगने लगा कि भीष्म सब जगह है क्या, मतलब उनके बाण कहां नहीं जा रहे थे, इधर से आ रहे तो मार रहे हैं, इधर से आ रहे तो मार रहे, ऐसे हजारों को मारते हुए जा रहे थे। ये देख करके भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन रोको आज अपने दद्दा को, नहीं तो आज होगा पूरा ऑल क्लियर, कुछ नहीं बचेगा। जिस तरीके से वो मार रहे हैं ना, भय से भागने लगते हैं, कौन पूरा उनकी सेना, सोचो क्षत्रियों के अंदर भय उत्पन्न हो गया, ऐसा भयंकर युद्ध, ऐसा भयंकर युद्ध कर रहे थे। अर्जुन जाता है मारना स्टार्ट करता है, पर उसके बाणों को काटते हुए निकल रहे थे कौन भीष्म देव, रुक ही नहीं रहे थे इतना, क्योंकि पूरा दम आग लगा दिया होता है ना। और ये देख करके दुर्योधन आज मजा आ रहा है, चलो आप ठीक है, आज दादाजी एकदम पूरा जोश में है, तो पूरा इतना मार। और इधर भगवान देखते हैं, अरे अर्जुन तुम मारो बाबा, अर्जुन मार रहा है लेकिन कैसा मार रहा है, इतना पूरा ताकत लगा के नहीं मार रहा था, क्यों, क्योंकि दादाजी थे ना सामने, कैसे मारता, तो उसके अंदर थोड़ा सा कनूड़ा आ रहा था। तो ये चीज इमोशन जो होता है, क्या इमोशन क्या है, जो हमारा भावना है, कई बार हमको कैरिड अवे कर देता है, और कई बार हमको पता होने के बावजूद भी कि हमको कैरी अवे नहीं होना है, फिर भी हमको कैरी अवे हो जाते हैं। जैसे कई बार लोग क्रोध में इतना क्रोधी हो जाते हैं कि कई बार अपना भी नुकसान कर देते हैं। तो उसी तरीके से क्योंकि रिश्ता है दादा और पोते का, वो इमोशन आ रहा था, भले गीता का ज्ञान सुना था, वही मैंने बोला ना, एक प्रवचन सुनने से अज्ञान तुरंत नहीं कटता है, थोड़ा सा समय लगता है, टाइम फैक्टर। हम ये सोचे आम अभी पक जाए, वो विशेष होता है, महाप्रभु की लीला है वो सब, वो विशेष भगवान मतलब कि अपने दिव्य लीला से एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखाते हैं। आम आज हो गए जरूरी नहीं कि आज ही आम निकल जाएगा, और कई बार हम सोचते, हमारे बच्चे देखते हैं, जैसे आम का सीजन था, अभी तो नहीं है गुरुकुल के बच्चों, तो आम को देखते थे कि अरे आम पका कि नहीं पका, ठीक है तोड़ के लेके आ जाते थे, अभी पका भी नहीं रहता था तोड़ के, और जबरदस्ती कई बार हम आम पकाने का प्रयास करते हैं, समय देते ही नहीं, कार्बाइड डाल करके या, तो उसमें वो मिठास नहीं आता है। उसी तरीके से समय भी, समय लगता है हर चीज को। तो भले ही अर्जुन ने सुना था भगवद्गीता, फिर भी वो युद्ध इतना बाण वैसा नहीं मार रहा होता। जब भगवान कृष्ण देखते हैं अरे अर्जुन मारो नहीं तो वो मार देंगे आज खत्म, अरे तुम क्या करोगे फिर, क्योंकि वो इतना तेजी, और सारे वापस भाग रहे थे। तो जब भगवान ने देखा अर्जुन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, भगवान कहते हैं वहां पे जो बाकी सात्यकी रहता है, सात्यकी कहते हैं कि भगवान सब हमारे योद्धा भाग रहे हैं, सारे योद्धा भाग रहे हैं पीछे, जिस तरीके से आज भीष्म पितामह युद्ध कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जिनको रहना है रहे, जिनको जाना है जाए, मैं अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं इस भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, दुर्योधन को, सबको मार गिराता हूं, और सबसे पहले तो भीष्म को मारता हूं क्योंकि यही कमांडर इन चीफ है, और ये आज जिस तरीके से पराक्रम कर रहा है वो मैं दिखाता हूं इसको।
भगवान कूदते हैं रथ पर से, कूदते हैं उनका उत्तरी ऐसे मतलब कि वो होने लगता है, और वहां पे बगल में एक चक्र मतलब कि जैसे रथ होता है ना, रथ का पहिया, रथ भी गिर जाता है, टूट जाता है तो पहिया, अब वहां पे थोड़ी ना कोई देखने जाता है कि भाई चलो रथ का पहिया टूट गया चलो रथ बनाते हैं, ऐसा नहीं, वो सब बाद में होगा ठीक है। रथ के पहिया को पकड़ते हैं, और आप कहोगे कि रथ के पहिया को क्यों पकड़े, थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, एक एक इंसिडेंट है क्योंकि ये भगवान का है ना, भगवान है भक्त वत्सल, क्या है भक्त वत्सल, वो जब प्रेम करते हैं ना अपने भक्तों से, जहां पे उनको किसका एंजाइटी था अपने अर्जुन के लिए कि अरे आज अर्जुन मारा जाएगा, अर्जुन को कुछ हो जाएगा, तो इसलिए भले उनके पास हमेशा सुदर्शन रहता है ठीक है, लेकिन वो प्रेम के कारण, आप ये मत क्वेश्चन करो कि अरे भगवान सुदर्शन लेके क्यों नहीं भागे, अरे वो लेके भाग सकते थे, भगवान किसी अस्त्र में भी सुदर्शन को वो एकत्र कर सकते हैं और किसी अस्त्र को भी वो तोड़ सकते हैं, तो वो कृष्णा है, वो उस चक्र को में भी वो सुदर्शन की तरह कर सकते हैं, वो पहिया उठा करके भागते हैं दौड़ते हैं, और आप बोलोगे दौड़ क्यों रहे मार अच्छे फेंक देना, नहीं वो चाहते हैं कि आज मैं भीष्म को मार ही दूं, हो सकता है फेंका और वो ऐसे करके निकल गया तो ठीक है, या साइड से निकल गया तो सही निशाना नहीं लगा तो, इसलिए वो पकड़ के एकदम नजदीक से एकदम ऐसे घुमाते हुए भाग रहे होते हैं, और ये चीज का वर्णन भागवतम में भी है। भीष्म पितामह जब देखते हैं कि साक्षात जो उनके केशव जो उनके डीटी है जो उनके भगवान है वो साक्षात दौड़ते हुए, धूल उड़ रहा है पसीना आ रहा है और वो धूल के कण चिपके हुए चंदन जैसे लग रहे हैं, ये पूरा वर्णन करते हैं भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पे लेटे होते हैं, यही रूप का वो याद कर रहे होते हैं, तो जब वो दौड़ते हुए भगवान को देखते हैं तो वो अपना जो गांडीव जैसा धनुष है वो वहां पर रख देते हैं और कहते हैं हे केशव हे मधुसूदन, मैं तो चाह ही रहा हूं कि मेरे अंतिम जो है मेरा जो मृत्यु है वो आपके हाथों हो, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और मतलब कि क्षत्रिय हो करके सरेंडर, क्योंकि भगवान आ रहे हैं ना, भगवान मारने के लिए आ रहे हैं, भगवान उठ करके दौड़ पड़ते हैं और मारने के लिए चल देते हैं। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्या भगवान ने अपना वचन तोड़ा, पहले देखते हैं वचन भी क्या है और क्या तोड़ा कि नहीं तोड़ा ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। टेक्निकली अगर बात करें तो भगवान ने क्या बोला था, अगर आपको याद होगा तो भगवान ने कहा था कि मैं कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा। गाड़ी का पहिया कोई अस्त्र है क्या? है वो कोई अस्त्र नहीं यूज किया जाता है, नहीं यूज किया जाता है, तो टेक्निकली मान लेते हैं कि अगर टेक्निकली देखें तो उन्होंने कोई प्रतिज्ञा अपना नहीं तोड़ा, उन्होंने पहिया उठाया था ठीक है ना, उन्होंने कोई अस्त्र थोड़ी ना तलवार उठा करके मारने जा रहे हो, तो गाड़ी का तो रथ का पहिया है ठीक है, चलो मान लो कि ठीक है, फिर भी उन्होंने वचन तोड़ दिया ये चीज वाला मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि उनका वचन भी क्या है। भगवद गीता में श्लोक आता है कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति, हे कुंती पोत पूरे विश्व में ऐलान कर दो मृदंग और ढोल बजा करके क्या कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, ये मेरा प्रतिज्ञा है, ये भगवान का प्रतिज्ञा है। तो इस प्रतिज्ञा के अनुसार देखो तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा अर्जुन की रक्षा के लिए, क्योंकि तो अर्जुन कौन है भगवान का भक्त है, तो अर्जुन के प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने क्या किया उठा लिया अस्त्र ठीक है, एक ये भगवान ने अर्जुन के जीवन की प्रतिरक्षा करने के लिए। दूसरा भीष्म पितामह ने भी वचन लिया था ना, अगर आज कृष्ण ने अपने वचन को नहीं तोड़ मतलब कि उठा के मारने आया तो आज मैं खत्म कर दूंगा पांडव को, तो कृष्ण ने भीष्म के वचनों की राज रखने के लिए, क्योंकि भीष्म भी तो भगवान का भक्त है ना, तो भीष्म के प्रोटेक्शन के लिए भी उठा लिया गाड़ी का पहिया रथ का पहिया। तो एक तरीके से देखो तो जो भगवान ने वचन दिया ना, नामे भक्ता प्रणश्यति, उस भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने कहा, देखो भगवान कितने भक्त वत्सल है, भगवान ने कहा जाने दो दुनिया मेरे को जो कहे, क्या कहे कि अरे कृष्ण अपने बात को नहीं मानता है, अपने बात पे नहीं रहता है,
कहने दो, मैं रणछोड़ भी खिलाने को तैयार हूं अगर रुक्मिणी की मेरी रक्षा करना हो तो। हर चीज भगवान अपने, लेकिन मेरा भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। और इसलिए भगवान वसुदेव वासुदेव उठ करके वो रक्त पानी, जो कि वो चक्र पानी, चक्र को पकड़ करके वो उठ करके भागते हैं मारने के लिए। इधर अर्जुन भी कूद पड़ता है, पता अरे पीछे भाग रहा है। सोचो इधर भगवान भाग रहे हैं, मतलब तीनों एक साथ सामने भीष्म पितामह हाथ जोड़ के खड़े कि आप चला दीजिए। भगवान दौड़ रहे हैं, उधर अर्जुन दौड़ रहा है। अर्जुन तोड़ते तोड़ते भगवान के चरण को एकदम पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, आप मत मारिए। भगवान कहते नहीं अर्जुन, आज इसको मैं मार डालूंगा भीष्म को, इसी की वजह से हमारे इतने लोग मर रहे हैं। पहले मैं इसको मारूंगा, फिर दुर्योधन को मारूंगा, सबको मार के आज खत्म कर दूंगा। अर्जुन कहता नहीं देखो हमारे लिए अगर भगवान आ जाए, कहे कि तुम बैठो किशोर, कोई टेंशन नहीं है, सारा पेपर मैं तुम्हारा सॉल्व कर देता, हम लोग क्या करेंगे? अरे प्रभु जी, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे अच्छा है, या हम भी लाइफ में कुछ हो जाए, भगवान आप कर दीजिए ना। अरे अरे अगर भगवान आ जाए, कह दे कि बोलो तुम्हारे लिए क्या करना है। हाँ अरे भगवान वाह वाह वाह, हम कितना खुश हो जाएंगे। पर अर्जुन कहता नहीं भगवान आप, क्योंकि ये जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक हम ये सब चीजों को, लीला को नहीं समझ सकते, उसके लिए भक्ति बनना पड़ेगा, दिक्कत यही है। तो अर्जुन ये सोच रहा था मेरी वजह से भगवान को लोग कितना कलंक कहेंगे कि भगवान ने अस्त्र उठा लिया और मार डाला। वो कहता नहीं भगवान मैं ही मारूंगा, आप कृपया करके बैठ जाइए, आप चलिए। भगवान कहते नहीं मेरे को मारने दो। वो कहता नहीं भगवान प्लीज। तो जब चरण पकड़ लेता तो भीष्म उधर से बोल रहे कि मार दीजिए भगवान। अर्जुन कह रहा नहीं मारना है। भगवान कहते ठीक है, और वो जो रथ का पहिया होता है वो वहीं पे रख देते हैं और इधर अर्जुन को ले लेते हैं और फिर कहते हैं अर्जुन से अब तुम युद्ध करो। और फिर अर्जुन युद्ध करने लगता है, पर वो देख रहा होता है सूर्य की तरफ, अरे आज जल्दी जा क्यों नहीं रहे सूर्य देव, क्योंकि तो दादा से लड़ना भी है, आराम नहीं लड़ा तो फिर ये कहे आप देवकी नंदन फिर ना हो जाए। देखो है क्योंकि प्रेम है ना, दादा इतना जल्दी अटैचमेंट कैसे कटेगा, ठीक है। तो इसलिए वो देख भी रहते सूर्य की तरफ कि अस्त हो जाए अस्त हो जाए, ठीक है, ताकि मेरे को भी ना लड़ना पड़े। जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं ये माहौल से निकलना है, तो उस तरीके से युद्ध कर रहा होता है, फिर अस्त हो जाता है। और सूर्यास्त होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेसन कि हमें अपने इमोशन को सिर्फ कर्व नहीं करना चाहिए, कई बार हम सोचते हैं दबाने के लिए, बल्कि उसको चैनलाइज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे इमोशन जो भावना है वो आएगा ही, हम देखते हैं, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे एंगर हो या कोई भी इमोशन हो, कुछ भी है, वो भगवान की सेवा में लगा सकते हो। जैसे हनुमान जी ने अपने क्रोध को किस में लगाया, लंका को जलाने के लिए। अर्जुन के अंदर भी क्रोध उत्पन्न करके भगवान क्या करना चाह रहे हैं, धर्म युद्ध कराना। तो उसी तरीके से जैसे हम देखते हैं कि एक माँ होती है, कई बार माँ देखते हैं कि या जैसे एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ, तो एक बार एक माता पिता अपने बच्चे को लेके जा रहे होते हैं, रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, अचानक से गाड़ी तेज आता है और वो बच्चा ऐसे भाग करके रोड क्रॉस कर रहा होता है, माता पिता गुस्सा देखते हैं, अरे वो चिल्लाते हैं तो कुछ होता नहीं है। फिर उसकी माँ उसको तड़ातड़ देना स्टार्ट करती है। अभी मैं देख रहा था, मैं सोचा अरे बाप रे बाप, क्योंकि मैं पहले का इंसिडेंट देखा नहीं था, मैं तो बस देख रहा था कि तो मारी जा रही है, हम कह अरे बाप रे बाप ये माँ आज काली का रूप में क्यों है, ठीक है। तो फिर उन्होंने उस माँ ने मेरे को बताया कि ये ऐसे भाग रही थी, ठीक है। तो कई बार हमको ऐसे हम बस एक सिचुएशन को देख करके ये सोच सकते हैं कि अरे ये कितना गलत है। तो हम भी देखते हैं कई बार जो इमोशंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ, इसीलिए प्रेम जो होता है ये कहना कि सिर्फ हम किसी पर क्रोध नहीं कर रहे हैं इसीलिए वो प्रेम है, नहीं, कई बार क्रोध दिखाकर भी आप प्रेम करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे माँ ने अरे बच्चे का जीवन है तो इसलिए वो मार करके उसको समझा रही है कि तुम क्या बोलते हैं, तुमने गलत किया, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए। या बच्चा कई बार स्कूल कहता है कि नहीं जाएंगे, माँ चॉकलेट देती है फिर भी नहीं समझता है, माँ फिर थप्पड़ देती है तब समझता है,
तो वो होता है, तो ये चीज होता है। तो इसलिए दोनों की जरूरत पड़ती है, रिस्ट्रेनिंग द एंगर एंड क्या बोलते हैं एक्सप्रेसिंग आवर एंगर, बोथ इज रिक्वायर्ड। तो ये नौवां दिन के जब हो जाता है, जल्दी चलते हैं मेन जो है, और अब होता है ये दसवां दिन। और दसवें दिन में क्या होता है देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और आज जो नहीं हो सकता था वो हो गया। और दसवें दिन से पहले नौवें दिन की रात को जब सब बैठे होते हैं, युधिष्ठिर महाराज पूरा एकदम चिंतित में रहते, कहते हैं कि भगवान आज जो आपने देखा ना भीष्म पितामह का रूप, भय हो रहा है लोगों को कल युद्ध करने के लिए, इतना भय उत्पन्न हो गया। जैसे नहीं कई बार हमारे को कोई चीज भय हो जाता है, या कभी हम कोई मूवी देख लेते हैं हॉरर मूवी, तो भय हो जाता है कि अरे आज अकेले नहीं जाएंगे, तो वैसे भय उत्पन्न हो गया है। क्षत्रिय सैनिक आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कल भाई भीष्म पितामह के पास छुट्टी ले लेते हैं, कल कह देते कि आज मेरा तबीयत खराब है, आज हम नहीं लड़ पाएंगे, इतना भय उत्पन्न हो गया है। भगवान कहते हैं उससे पूछो ना, वो तुम्हारा जो है भाई अर्जुन, वो क्यों नहीं युद्ध कर रहा है? तो सब कहते कि नहीं जो भी है भगवान, हमें कुछ करना होगा। भगवान कहते अब समय आ गया, तुमको एक चीज बोला था भीष्म पितामह ने। युधिष्ठिर कहते क्या चीज? युधिष्ठिर भीष्म पितामह ने कहा था कि जिस दिन समय आएगा मैं बताऊंगा कि मैं कैसे हटाया जा सकता है, हमको भीष्म पितामह के पास चलना चाहिए और उन्हीं से पूछना चाहिए आप कैसे मर सकते हैं। यहां पे पांडव जाते हैं, सारे पांडव और भगवान कृष्ण भी उससे भीष्म पितामह से मिलते हैं, और भीष्म पितामह से हाथ जोड़ के युधिष्ठिर कहते हैं आप मेरे को बताइए कि आपको कैसे हटाया जा सकता है युद्ध में। भीष्म पितामह कहते हैं कोई नहीं है जो मुझे हटा सकता है यहां से, मतलब कि इतना कोई बड़ा योद्धा नहीं है, हाँ एक को मैं योद्धा नहीं मानता हूं और वो है शिखंडी, क्योंकि मेरा वचन है कि जो स्त्री है, जिसने जो पहले स्त्री थी बाद में पुरुष हो गए, जिसका नाम से स्त्री भाव उत्पन्न होता हो, उसके ऊपर मैं बाण नहीं चलाऊंगा। तो ये शिखंडी के ऊपर मैं बाण नहीं चलाऊंगा। और स्वयं बोलते हैं कि मेरे को कोई मार नहीं सकता, बस गांडीवधारी अर्जुन मेरे को टक्कर दे सकता है, और उसके जो बाणों में है सिर्फ उसी के बाण मेरे को भेद सकते, मेरे शरीर को वज्र जैसे शरीर को, और किसी में इतनी ताकत ही नहीं। तो शिखंडी और अर्जुन अगर साथ आएंगे, स्वयं बोलते हैं, तब मैं गिर सकता हूं। ये चीज सुन करके युधिष्ठिर और बाकी सब खुश हो गए कि पता चल गया। और अगले दिन युद्ध में तैयारी से इधर दुर्योधन को भी पता चल गया कि भगवान और पांडव कल आए थे भीष्म के पास। उन्होंने पूछा कि भीष्म से कि आपने क्या बताया उनको, उन्होंने कहा मेरे से पूछने आए थे मेरे को कैसे हटाना, तो आपने क्या बोला? मैंने बोल दिया कि शिखंडी को मैं एक स्त्री मानता हूं और उस पर युद्ध मैं नहीं करूंगा। और ये सोच करके कि दुर्योधन समझ गया कि आज शायद कुछ तो अनहोनी होने वाला है, और गुरु क्या मतलब द्रोणाचार्य भी कहते हैं आज अब शकुन दिख रहा है, कुछ तो आज भयंकर होने वाला है। और ये सोच करके दुर्योधन कहता आज सभी लोग भीष्म पितामह खास करके शिखंडी पे ध्यान देना, वो कहां है। और आज जो शिखंडी था वो अर्जुन के साथ रथ पे चढ़ जाता है। आप कहोगे ये तो गलत है, गलत नहीं है, मैंने आपको बताया ना, एक योद्धा जैसे हमने देखा, आपने देखा भी, हारने लगता है तो उसकी रक्षा करने के लिए 5-6 योद्धा आ जाते हैं, फिर उसकी भी रक्षा करने के लिए 5-6 योद्धा। तो उस तरीके से अर्जुन और शिखंडी साथ में युद्ध कर रहे थे। और आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, लोग बहुत कहानी बनाते हैं, आप जाके कृपया पढ़िएगा बढ़िया से महाभारत, बी आर चोपड़ा स्टार प्लस वालों से पूछिएगा कि वो कहां से देते हैं।
जो कि इसलिए ध्यान से सुनिएगा, शिखंडी और कौन था अर्जुन एक साथ रथ पे हैं, उधर भीष्म पितामह पराक्रम करना स्टार्ट करते हैं और भगवान कहते हैं अर्जुन को वचन दिलाते हैं, अर्जुन तुमने वचन लिया था, याद करो अर्जुन वो दिन जब द्रौपदी को निर्वश करने का प्रयास किया, तुमने वचन लिया था अर्जुन कि तुम जो भी एक कौरव को मार गिराओगे तो आज तुमको सबसे बड़े कौरव के वृक्ष को मारना है, वो है भीष्म पितामह को। अर्जुन कहता है मैं आज पूरे दिल और से युद्ध करूंगा और दिमाग से भी। और इस तरीके से अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण को आप मेरे को सीधे सिर्फ भीष्म पितामह के पास लेकर चलो। भीष्म पितामह के साथ युद्ध होने लगता है और भीष्म और अर्जुन का। इधर दुर्योधन देखता है और द्रोणाचार्य सब दृष्टद्युम्न अरे दुशासन सब भीष्म पितामह के साथ आ जाते हैं युद्ध करने के लिए। उनका पांचों पांडव भी इधर आ जाते हैं अर्जुन का सहायता देने के लिए, पर अर्जुन के रथ से दोनों बाण चला रहे होते हैं। आप ध्यान देना, आप ध्यान से सुनना, दोनों कौन शिखंडी भी और अर्जुन भी, और आप समझो ऐसे है भीष्म ऐसे हैं, बाकी लोग भी हैं यहाँ पे, द्रोण है, सब ऐसे ऐसे करके सब रथ है, इधर भी रथ है, ठीक है, एक रथ पे यही खड़े हैं, ये भी बाण मार रहा है, ये भी बाण मार रहा है, भीष्म इसके बाण को नहीं मारते हैं, सिर्फ इसको मारते हैं, बस ये चीज है। क्यों नहीं मारते हैं इसके बाण को? क्योंकि वो स्त्री है, इसलिए उसके बाणों को नहीं काटते हैं। पर आप पढ़ो महाभारत में जाके, स्वयं भीष्म बोलते हैं इससे दुशासन से ये शिखंडी के बाण मेरे कुछ छेद ही नहीं कर सकते। क्या मतलब कि ऐसे लग करके हाँ हल्का सा घाव लग सकता है, लेकिन ये बाण इसमें इतनी शिखंडी में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो भीष्म के वज्र जैसे शरीर को छेद कर दे। नहीं तो शिखंडी ऐसे कई बाण मारता है, अर्जुन भी बाण मारता है और अर्जुन भी बाण मारता है, भीष्म उसके बाण को काटते हैं, अर्जुन कभी काटता है। इस तरीके से भीष्म पितामह सिर्फ अर्जुन के बाणों को काट रहे हैं, शिखंडी के बाणों को नहीं काट रहे हैं, ठीक है। लेकिन शिखंडी के बाणों से उनको कोई दुख नहीं हो रहा है ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे अर्जुन इतना, ये अर्जुन आज जो है ये वही अर्जुन है जो विराट में अकेले पूरे किसको सफाया किया था, आज इसका भी विकराल रूप था, इन्होंने भी विकराल रूप लिया था इन्होंने। अब यहां से क्या होता है, ये पांडव भी मारना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, और इधर से द्रोणाचार्य ये सब भी दुशासन भी रहते हैं। इस तरीके से जब अटैक हो रहा होता है एक तरफ से हर जगह से, तो आप समझने का आप बैटल में क्या होता है, इतना हर जगह हल्ला हुल्ला इतना चीज हो रहा होता है, हर जगह तरफ से महाकाल भयंकर मच रहा है। तो उस समय भीष्म पितामह को कई बार ये इधर मारते थे और अर्जुन फिर इन्हीं के ऊपर, क्योंकि ये लड़ रहे हैं ये भी लड़ रहे हैं, और अर्जुन पूरा अपने ताव लगा करके मारता है और भीष्म पितामह का पहला यहाँ पे छेद कर देता है। और इसलिए ये कहना कि जैसे मूवी में हम टीवी में देखते हैं शिखंडी आगे हो गया अर्जुन पीछे छिपा हुआ है, ठीक है, और फिर ऐसे छिप करके निकल के फिर मार के ऐसे छिप, ऐसा नहीं हो रहा मैच, ये गलत दिखाते हैं लोग। आप पढ़ो जा करके, ऐसा नहीं कि वो छिप गया और फिर हाँ हाँ हम तो पीछे खड़े, अरे हम कुछ मार नहीं रहे, और फिर छुप के से खुद मार के ऐसे निकल गया, ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये हम फिर गलत पढ़े हैं या गलत समझे हैं, ऐसा नहीं मार रहा है कि हाँ शिखंडी को आगे खड़के कि हाँ देखो ढाल नहीं बना रहा है, दोनों मार रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं, पर शिखंडी के बाणों को भीष्मदेव नहीं मारते हैं और अर्जुन के बाणों को मारते हैं। फिर अर्जुन क्या करता है, शिखंडी के सहायता से और नजदीक जाता है भीष्म के और ये सबको हराने लग जाता है अर्जुन। अर्जुन इनको हराता है, फिर मतलब कि ये ऐसा नहीं कि एक ही मैच में हो गया, फिर ये इधर चला जाता है, फिर लेकिन आते हैं कृष्ण अर्जुन के साथ और फिर अर्जुन मारना स्टार्ट करता है भीष्म को। और भीष्म पितामह क्योंकि पूरा आप कह सकते हो कि क्योंकि शिखंडी भी था और उन्होंने खुद ही आज देखा और उनके आठ वसु भी आ गए, कहे कि भीष्म आज तुम्हारा समय अब ओवर हो गया, ठीक है, तो इसलिए मॉरल डाउन हो गया था
और इस कारण से अर्जुन, हाँ ये आप कह सकते हो कि अर्जुन ने, ये रणनीति है, ये छल आप नहीं कह सकते हो। ऐसे तो फिर भीष्म पितामह ने भी कौन सा ये इच्छा मृत्यु लेके कोई चलता है क्या? इच्छा मृत्यु लेके कोई युद्ध करने जाता है क्या? हमको तो कोई मार ही नहीं सकता। जैसे कि पूरा चीज वो पहन लेना कि बिना मरे हुए, तो उस तरीके से तो इनके ऊपर भी कहा जा सकता है कि इन्होंने भी छल किया, इच्छा मृत्यु लेके वो जन्म ले जा रहे युद्ध, उनको मार ही नहीं सकता। तो ये छल नहीं है, रणनीति है। छल तब होता है जो मैंने आपको बताया कि छुप छिप के मारना। शिखंडी को यूज किया अर्जुन ने, इनका मॉरल डाउन हो गया था और इन्होंने खुद ही कहा कि मेरे को ऐसे मार सकते हो, और इस तरीके से अर्जुन ने मारना स्टार्ट किया भेदना भीष्म पितामह के। तो इसलिए ये कहना कि अर्जुन ने अनएथिकल वे से मारा है, ये गलत होगा शायद कहना। ये पूर्णता हम ये नहीं बोल सकते कि भीष्म को अर्जुन ने इतने गलत तरीके से, दोनों लड़ रहे होते हैं और फिर अर्जुन शिखंडी के सहायता से भीष्म को भेदना स्टार्ट करते हैं। और भीष्म स्वयं बोलते हैं, जब अभी बाणों की सैया पे लेट जाएंगे, ये शिखंडी के बाण है ही नहीं जिसने मेरे को छेदा है, ये तो कांडीलधारी अर्जुन के आज जो बाण थे वो वज्र के समान थे। क्योंकि अर्जुन को भी भगवान ने बोला ना कि तुम क्या इस तरीके से बस लड़ रहे हो, तो भगवान को दिखाना पड़ा बेटा कि युद्ध करो ताकत से। और फिर अर्जुन शिखंडी की सहायता लेकर के भीष्म के ऊपर मारना स्टार्ट करते हैं। और एक बाण, दो बाण, तीन बाण, चार बाण, और वो फिर उधर मार रहे होते हैं लेकिन वो कर ही नहीं पा रहे होते, क्योंकि शिखंडी भी अब था। शिखंडी मतलब कि अर्जुन उसका दोनों को ऐसे ले लेके दोनों खींच करके मार रहे होते हैं, और पूरा बाणों से मारते मारते इतना बाण मारता है, इतने बाण मारता है अर्जुन, ऐसा महाभारत में कहा गया है कि दो बाणों के बीच में एक सुई तक की जगह नहीं थी, इतने बाण मारता है अर्जुन। क्योंकि उसके पास वैसे वो थे, क्या होते, क्यूवर्स, तो वो बाणों को मारते मारते बेड ऑफ एरोस जैसे कहते हैं, बाणों की सैया, सैया पे नींद आता है, पर यहाँ पे जो सैया है, जो बेड है, वो वास्तव में वो बेड बाणों की बेड है। और वो मारते मारते भीष्म, सोचो भीष्म गिर जाते हैं जमीन पे, नहीं मतलब एक तरीके से हवा में रहते हैं क्योंकि बाण लगे हुए हैं ना पूरे। तो वहां पे हमारे आचार्य कहते हैं भीष्म का जीवन जो है आप देखोगे बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग था। कॉन्फ्लिक्टिंग कैसे था, वो युद्ध नहीं चाहते थे फिर भी युद्ध करना पड़ा, युद्ध में शामिल होना पड़ा। वो हमेशा ये सोचते थे दुर्योधन और भी युधिष्ठिर को मिला देंगे। सोच अच्छी थी पर कार्य कई बार अच्छे नहीं थे। अच्छे लोगों के साथ, इविल ऑफ गुड इसको कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ दिक्कत क्या होता है, उनको लगता है उनका सारा डिसीजन अच्छा ही होता है, पर ऐसा होता नहीं। सबसे बड़ा गलती भीष्म ने क्या किया था, भीष्म स्वयं बोलते हैं, जिस दिन पहली बार जब इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का बंटवारा किया था। अरे देखो, आप बबूल का कांटे का अगर बीज डालोगे और ये सोचोगे अच्छा सोच रख करके, नहीं मैं अच्छा सोच रहा हूं आम निकलेगा, मैं अच्छा सोचता हूं आम निकलेगा, मैं अच्छा सोचता हूं आम निकलेगा, आम निकलेगा नहीं निकलेगा। आप अच्छा सोच भी रहे हो, आप पानी भी अच्छा तरीके से दे रहे हो, लेकिन बीज किस चीज का है, आप ये समझने का प्रयास करो ना, वो बबूल का है। तो वैसे दुर्योधन जो साक्षात कली का स्वरूप है, अरे वो बीज ही खराब है और आप सोच रहे हो कि वो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, नहीं अच्छा होगा। और इसलिए जो भीष्म को पहले दिन दंड देना चाहिए था दुर्योधन को, वो दंड देने के जगह पे वो सोच रहे थे शायद सुधर जाएगा, शायद सुधर जाएगा, शायद सुधर जाएगा, नहीं सुधरा। और इन्होंने बंटवारा कर दिया, सोचा कि शायद खांडवपन जो कि पूरा एकदम खराब चीज वो युधिष्ठिर को मिला, और सोचे कि बंटवारा कर देने से शायद दुर्योधन सुधर जाएगा, दुर्योधन फिर भी नहीं सुधरा। तो इसलिए वो बाणों की सैया पे आज लेट गए भीष्म पितामह। और देखो अर्जुन
कितना मतलब कि स्मार्ट नहीं, इसको कहते सेंसिटिव, इसको अलर्टनेस कहते हैं, प्रेम जो संवेदनशीलता। जब बाणों की सैया पे लेट गए भीष्म देव और उनके गर्दन ऐसे गिर रहे थे, कहते हैं कि मेरे को वो ला के दो गर्दन को टेकने के लिए, तो दुर्योधन सोचता है चलो अच्छा अच्छा स्लीप वेल का वो तकिया लेके आता हूँ, पूरा दौड़ने जाता है। ये है अर्जुन का स्मार्टनेस, वो सोचे ये महारथी है, परशुराम के शिष्य हैं, इनको क्या वो तकिया चाहिए, वो दो बाण मारता है, वो दो बाण से उनका सिर जो होता है वो उस पर टिक जाता है, और फिर कहते हैं कि मेरे को प्यास लगा है। और वहां से वो बाण मार करके जो गंगा के पुत्र होते हैं वो गंगा को आह्वान करके ऐसे वरुण अस्त्र मारते हैं, वहां से गंगा का जल डायरेक्ट किसके भीष्म पितामह के मुख में आने लगता है। और ये भीष्म पितामह जिनका जीवन वास्तव में अगर हम देखें तो कोई कंटेमिनेशन नहीं था, जब भगवान कृष्ण, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है कहानी बता देता हूँ आज, क्योंकि आज ही का है, भीष्म देव आज गिर गए हैं, अब पता नहीं कब भीष्म देव आएंगे। तो भीष्म देव जब मतलब कि बाणों की सैया, जब युद्ध खत्म हो जाता है तो भगवान ऐसे मन में ध्यान करके मुस्कुरा रहे होते हैं एक दिन अपने बैठे हुए रूम में, तो युधिष्ठिर आ करके देखता है भगवान को कि भगवान ध्यान लगा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो जब भगवान का ध्यान टूटता है तो भगवान कहते हैं कि किस पे आप इतना ध्यान कर रहे थे वासुदेव। भगवान कहते हैं मैं उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान दे रहा था जिसने जीवन में, जिसके जीवन में कुछ मल नहीं है। देखो मिस्टेक और कंटेमिनेशन में अंतर होता है। मिस्टेक जानबूझ करके जो करता है गलती, वो कंटेमिनेशन होता है, मल होता है। एक होता है जानबूझ करके गलती करना, पाप करना, और भीष्म पितामह कोई पाप कभी नहीं किए थे, उनसे गलती हुआ था। ये है महाभारत जो ये बतलाता है जीवन में गलतियां होती है, पढ़े पढ़ो के लिए। गलती किया लेकिन कभी जीवन में पाप नहीं किया था। तो भगवान स्वयं बोल रहे, साक्षी दे रहे, उनका जीवन पूरा निर्मल है। गलती किया हो सकता है भीष्म ने, लेकिन कभी उसके जीवन में मन में मल या पाप नहीं था। तो मैं उस भीष्म को याद कर रहा हूँ जो मेरा चिंतन अभी कर रहा है, चलो उसके पास और तुम अपने प्रश्नों के उत्तर पूछना। और तो पर्व, शांति पर्व और अनुशासन पर्व में वो ज्ञान दिया जिस ज्ञान को अगर हम बताने का प्रयास करें तो कम से कम मैं कहता हूं आपको एक महीना लगेगा, दो घंटे का लेक्चर। वो ऐसा दिव्य ज्ञान दिया है, लोग कहते हैं महाभारत पढ़ना नहीं चाहिए। अरे महाभारत का युद्ध बस छोटा सा सेक्शन है, आप देखो कितना बड़ा ज्ञान दिया। शांति पर्व, राज धर्म, क्षत्रिय धर्म, स्त्री धर्म, आपके जीवन के हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर आपको उस महाभारत के उस शांति पर्व और अनुशासन पर्व में मिलेगा। जो भी आप प्रश्न, हजारों प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, तो जो व्यक्ति मरने से पहले शास्त्र से लड़ा, मरते मरते शास्त्र का भी ज्ञान देख गया, पहले शस्त्र बाद में शास्त्र, जो दोनों में निपुण था, ऐसे भीष्म पितामह आज गिर गए। और जब भीष्म पितामह गिर जाते हैं तो ऊपर से जो उनकी माता भी आती है गंगा मिलने, और फिर हम देखते हैं कि दुर्योधन, क्योंकि कहीं गिद्ध विद्ध ना आ जाए कोई जंगली, तो वहां से वो एरिया को हटा दिया जाता है कुरुक्षेत्र के मैदान से, और वहां पे सैनिक भी लगे रहते ताकि उनकी देखभाल हो सके। तो ऐसे भीष्म पितामह के जीवन से हम ये सीखते हैं बहुत कुछ से कि गलतियां होती हैं, हम इंसान हैं, पर जानबूझ के गलती नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज, अगर बीज खराब हो तो बीज को हटाओ, ये मत सोचो कि बीज कभी तो अच्छा हो जाएगा, नहीं। ठीक है, गलती उन्होंने ये किया, वो सोचे दुर्योधन को दंड देने की जगह पे उन्होंने ये सोचा कि दुर्योधन सुधर जाएगा। आप अगर देखते हो एक दो बार के बाद भी कोई व्यक्ति नहीं सुधर रहा तब उसको दंड देना ही चाहिए, और आप तो राजा हो और राज्य में हो, राज्य धर्म है। तो ये भीष्म पितामह के जीवन से हमने देखा कि
और ये भी देखने का प्रयास किया कि कोई अनएथिकल नहीं था। वो भीष्म पितामह का खुद ही उन्होंने सोचा कि कैसे मैं हट सकता हूँ या मैं हार सकता हूँ। कल हम देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट एक योद्धा की कल भी मृत्यु हो गई। अब हर दिन एक एक योद्धा को हम देखेंगे गिरते हुए, क्योंकि अभी भीष्म पितामह आज गिर गए। 10 दिन हो गया महाभारत का, बचा है अब 8 दिन। हर एक 8 दिन में कोई ना कोई सही में गिरेगा। और कल देखेंगे जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल दिखाया है, खास करके आप टिकट टीवी सीरियल में, कि किसी को मारा गया है इतना बेधर्मी से और कहा जा रहा है कि उसको मर्सी दिया गया है, करुणा उसके ऊपर किया गया है। देखेंगे वो कौन योद्धा था जिसको इतना बेरहमी से मारा गया और हम उसको सोचते हैं कि वो मर्सी के लिए। ठीक है, कल देखेंगे। हरे कृष्णा, ग्रंथराज महाभारत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।